हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अर यूट्यूब चैनल सी सी क्लास मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे हम एम एस के मैराथन क्लास को देख रहे हैं और मैराथन क्लास में हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने होम टैप को कंप्लीट क्लियर कर लिया था जिसमें हमने बहुत सारे टाइप के एक्सएल की टेबल फॉर्मेट हमने बनाना सीखा था अलग अलग टाइप के हमने टेबल की फॉर्मेटिंग करना सीखा था कि कैसे हम किसी टेबल का आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर और उनके साथ हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इन तमाम टॉपिक को हमने पिछले मैराथन क्लास में डिस्कस कर लिया था आज मैं एक और मैराथन क्लास आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ जो कि फॉर्मूला से रिलेटेड है इसमें हम ढेर सारे फार्मूला सीखने वाले हैं इट एडवांस लेवल के भी फार्मूला हम देखने वाले हैं हम यूं नहीं कह सकते कि हम टोटल कंप्लीट फार्मूला लेकर आएंगे लेकिन हाँ जो जरूरत की चीज़ें हैं जो खासकर ज़्यादातर यूज होने वाले फॉर्मूला है उनके मैंने इसमें कवर कर लिया है बाकी मेरे छोटे छोटे रील्स बन रहे हैं उसमें आप शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं मैंने ढेर सारे फॉर्मूला का हमने जिक्र भी किया है टिप्स एंड ट्रिक एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक के नाम से होगा आप हमारे प्ले लिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस फॉर्मूला की अनोखी क्लास को तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले ओके तो चलिए शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले बहुत ही बेसिक फॉर्मूला स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हमारा सबसे पहला फंक्शन है सम सम एक बहुत ही सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला है इसमें हम बिल्कुल साधारण से स्टार्ट कर रहे हैं और हाई लेवल यानी कि प्रोफेशनली लेवल तक के हम फार्मूला को देखेंगे और इन सब के यूज़ को भी देखेंगे तो सबसे पहले हमने सम फार्मूला को स्टार्ट किया और इस फॉर्मूला का, का काम क्या है सम फार्मूला यहाँ पे कहता है कि इट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन यूज टू एट द न्यूमेरिक वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल यानी कि रेंज ऑफ सेल बहुत सारे सेल के रेंज होते हैं और उनमें से न्यूमेरिकल सेल को जोड़ना है तो उसके लिए हम सम फॉर्मूला का यूज करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है जो कि कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारे सेल है और उन सेल में बहुत सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूला है एवरेज तो जो कि एवरेज कैलकुलेट करेगा फॉर्मूला के नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि हम इस फॉर्मुले की मदद से क्या करने वाले हैं तो सम फॉर्मूला क्या करेगा तो सम कैलकुलेट करेगा एवरेज क्या करेगा तो रेंज ऑफ सेल जितने भी सेल के रेंज है उनमें से उसका एवरेज कैलकुलेट कर देगा तो हमारा सम जो है एक मैथमेटिकल फंक्शन है एंड एवरेज जो है वो एक स्टैटिकल फंक्शन है दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है हाँ इसका मैं सिंटेक्स देखना जरूरी है हम सबसे पहले सिंटेक्स देख लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते चलेंगे तो अगर मैं बात करूँ कि सम की सिंटेक्स की तो सम का सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है मैं यहाँ पर इसका सिंटेक्स लिखता हूँ यहीं पे मैं लिख रहा हूँ आप नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पे मैंने को लिखा और सिंटेक्स में होगा क्या कि कोई भी फॉर्मूला यूज करना होता है तो किसी भी सेल में हम सबसे पहले इक्वल टू साइन देंगे देन का नाम देंगे जैसे कि हम सम लिख रहे हैं तो हमने सम फार्मूला का नाम दे दिया पैरेंथेसिस ओपन होता है स्मॉल ब्रैकेट या छोटी कोस्ट को हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं टेक्निकल वर्ड और इसके बाद इस पैरेंथेसिस में हम देते हैं रेंज रेंज ऑफ सेल यानी कि जितने भी सेल हैं हमारे पास जिसमें न्यूमेरिकल डेटा है जिसको हमने ऐड करना है उस सेल को हम क्या करेंगे पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे और उनको हम जोड़ देंगे और उसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो फार्मूला हमारा बन के रेडी हो जाएगा तो ये हमारा सिंटेक्स है सम फॉर्मूला का सेम ऐसे ही एवरेज कैलकुलेट करना है हमने तो एवरेज के लिए हम क्या लिखेंगे इक्वल टू साइन लगाएंगे फिर एवरेज हम पूरा का पूरा स्पेलिंग लिखेंगे अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो कैलकुलेट नहीं होगा तो हमने लिख दिया एवरेज एवरेज करने के बाद हम यहां पे क्या लिखेंगे रेंज ऑफ सेल रेंज ऑफ सेल कहने का मतलब है कि वो सेल का रेंज जिसमें वो न्यूमेरिकल डेटा है जिसमें हमने कोई ऑपरेशन करना है अब सेल का नेम कैसे देते हैं तो नेमिंग रूल भी हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है रो कॉलम सेल क्या ये सब कुछ हमने बेसिक चीजें कंप्लीट कर लिया अगर आप अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो प्लीज उसे एक बार जरूर देखे क्योंकि ये सारा डिपेंड करेगा आपके प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट से क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने रो कॉलम सेल सेल के रेंज कैसे हम उसमें काम करते हैं हमने बेसिक एक डेमो भी दिया हुआ है तो जब तक आप हमारे वीडियो को नहीं, नहीं समझे तो समझना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो यहाँ पे आप आप समझ चुके हैं कि ये हमने क्या करेगा तो सम कैलकुलेट करेगा और यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट होने वाला है अगला हमारे पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को अगर हम देखें तो अगला फॉर्मूला जो हम पढ़ने वाले वो है मैक्स मैक्स यहाँ पे कहता है इट रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन द रेंज ऑफ सेल मतलब कि अगर हमारे पास कोई रेंज है यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो एक हमारे पास रेंज है जिसमें कुछ सेल है, suppose कि है 20, सेल है 30, सेल इसमें है दूसरे में में तीसरे तो अगर मैं यहां पे सम अप्लाई करता अगर मैं फर्स्ट वाले की अप्लाई करता, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आता तो इन तीनों सेल को जोड़ देता यानी कि यहाँ पे हंड्रेड आ जाता आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे इसका रिजल्ट कितना आएगा हंड्रेड क्योंकि ट्वेंटी और थर्टी फिफ्टी एंड फिफ्टी एड और कर देंगे तो हंड्रेड आ जाएगा ठीक है और एवरेज की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि टोटल तो हमारा हंड्रेड हुआ और टोटल डिजिट कितने हैं तो टोटल जो नंबर है वो कितने हैं तो थ्री है तो हंड्रेड डिवाइड थ्री लगभग थ्री पॉइंट थ्री थ्री कुछ आएगा ठीक है तो 3.33 इस तरह से कुछ इसका एवरेज आ जाएगा अगर हम मैक्सिमम की बात करें अगर मैक्स फार्मूला का यूज़ करें तो मैक्स फार्मूला भी हम कुछ इसी तरह से इसका सिंटेक्स होगा इक्वल टू मैक्स एंड मैक्स के बाद हम लिखेंगे रेंज ऑफ सेल ठीक है हमने यहां पर दे देंगे रेंज ऑफ सेल और रेंज ऑफ सेल में क्या होगा कि जो भी रेंज हम देंगे उस सिलेक्टेड रेंज के अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो वैल्यू हमारा आउटपुट में आ जाएगा तो इसका रिजल्ट कितना आएगा आप गेस करो तो इसका रिजल्ट आपने सोचा होगा कितना 50 बिल्कुल सही है इसका राइट right आंसर होगा कितना 50 क्योंकि मैक्सिमम हमारा वैल्यू यही है और इसी तरह से एक और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जिसका नाम है मीन मीन आप समझ सकते हैं मीन का मतलब होता है मिनिमम तो मिनिमम का मतलब क्या होगा कि जो भी सिलेक्टेड रेंज होगा उसमें सबसे छोटी वैल्यू मीन रेंज ऑफ सेल लेकिन याद रखिएगा कोई भी फॉर्मूला आपको लिखना है तो उस फार्मूले में आपको क्या करना है पैरेंथेसिस जरूर लगाना है और इक्वल टू साइन जरूर लगाना है ठीक है ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इक्वल टू से स्टार्ट होगा अगर आपने इक्वल टू साइन देना भूल गए हैं तो फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा वो एज अ टेक्स्ट ट्रीट करेगा ना कि फॉर्मूला ट्रीट करेगा ओके तो आपको फॉर्मूला यूज करने से पहले उसको इक्वल टू साइन देना होगा फार्मूला का नाम देना होगा और पैरेंथेसिस में जो भी उसका क्राइटेरिया होगा जो भी उसका आर्गूमेंट होगा वो हमने पास करने होते हैं ठीक है तो अगर मैंने इन्हीं तीन रेंज को दिया है यही तीन सेल हमने अभी पास किया है मिन फंक्शन में भी तो इसका आउटपुट यहाँ पे कितना आ जाएगा तो इसका आउटपुट आ जाएगा ट्वेंटी आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा और मैं इन सभी को प्रैक्टिकली एक बार करके दिखाता हूँ हमारे पास अभी चार मेथड है जो कि बिल्कुल सिंपल है एक अगले फंक्शन से हम और भी थोड़े थोड़े एडवांस हम करते जाएंगे इसलिए रोज के रोज वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि एम एस में हमें एक्सपर्ट बनना है और हम एक्सपर्ट तभी बन सकते हैं जब हमारे

तो ये हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है और जैसे कि हमने अप्लाई करने कुछ फंक्शन तो कौन कौन से हमने फंक्शन अप्लाई करने हैं तो हमें अप्लाई करने हैं सम फंक्शन उसके बाद एवरेज एंड मैक्स एंड मिन ये चार फंक्शन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं लेकिन किसके ऊपर यूज करने वाले तो हम कुछ न्यूमेरिकल डेटा लिख लेते हैं हमने कुछ ऐसे ही डमी डेटा कुछ भर लेते हैं अब ये आपका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग वाला टेबल बनाया जा सकता है बट हमने ऐसे ही कुछ डमी रख लिया है अब मैं इसके ऊपर अभी हमने जो चार फार्मूला पढ़ा इन चारों फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इक्वल टू सम करेंगे क्योंकि हमने सम फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मैंने यहाँ पर लिखा सम फॉर्मूला लगाने से पहले मैंने बताया कि इक्वल टू देना जरूरी है तो मैंने सम किया अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो यहाँ पे जो लिस्ट आपको दिख रहा है ये 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 लिस्ट लिस्ट आपको आपको दिखाई नहीं देगा स्पेलिंग सही सही रहेगा तभी विजिबल होगा यानी कि ये सब कुछ सही है अब मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया अब देखिए एक्सेल जो है बहुत ही स्मार्ट तरीके से हमें आ, सब कुछ बता देता है कि जैसे हमने सम फॉर्मूला अप्लाई किया और पैरें स्टार्ट किया यहाँ पे अभी आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे नंबर वन एंड नंबर टू भी लिख रहे हैं

सेल का नाम कैसे नामकरण कैसे किया जाता है कैसे हम सेल को पहचानेंगे कि कहाँ से कहाँ तक का रेंज है कौन से रो है कौन से कॉलम है तो प्रीवियस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन वीडियो उसको आप जरूर देखें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप उसको देखे हैं तभी ये बेहतर आपको क्लियर समझ में आएगा अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आपको प्ले का लिंक ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा चलिए तो हम अब करते हैं ओके बटन एंटर बटन हमने जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबका एडिशन होके आ चुका है

तो अब तो हमारा मैक्सिमम नंबर कितना हो गया 523 अब जैसे मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो अभी आप देखेंगे कि जितने भी हमारे रिलेटेड फॉर्मूला uh, लगे हुए थे तो वो सारे फॉर्मूला में कुछ ना कुछ चेंजेस हो चुके हैं ठीक है थीके? तो फॉर्मुलेटेड वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है किसके कारण तो जो स्प्रेडशीट पे हम काम कर रहे वो स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है ओके okay, तो अब हम लास्ट और फोर्थ नंबर जो हमारे पास फंक्शन है इसको यूज करते हैं मीन तो मीन का मतलब क्या है ऑफ कोर्स आपने सोच लिया होगा मीन फॉर मिनिमम लेकिन यहाँ क्या हमने तो इक्वल टू दिया ही नहीं तो यह वर्क ही नहीं करेगा तो कोई भी फॉर्मूला यूज करना है तो सबसे पहले हमने इक्वल टू साइन यूज करना है फिर फॉर्मूला का नाम देंगे देन पैरेंथेसिस ओपन करेंगे उसके बाद हम रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जिस भी हम सिलेक्टेड जिस भी न्यूमेरिकल रेंज पर हम काम कर रहे हैं उस रेंज को हमने सिलेक्ट किया पैरेंथेसिस बंद किया एंड एंटर बटन प्रेस किया तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है 4 है। अगर कहीं माइनस तो ट्वेंटी हम क्या कर सकते हैं तो हमने यहां पे माइनस अगर यूज कर लिया एंटर बटन प्रेस किया तो अभी आप देखेंगे कि हमारा सब कुछ सारा का सारा डेटा डिटेक्ट हो चुका है यहां पे मिनिमम वैल्यू ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी थ्री आ चुका है आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि मैक्स मीन एवरेज सम इनका यूज हम कैसे करते हैं अभी तो हमने फिलहाल एक डमी डमी नंबर लेके बनाया हुआ है एक फंक्शन को समझाया हुआ है बट आगे हम जैसे जैसे और भी फॉर्मूला हम पढ़ेंगे एक बेहतर टेबल लेंगे टेबल के ऊपर हम काम करके भी बेहतर तरीके से समझाएंगे इसलिए नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे भी थोड़ा सा एडवांस लेवल का हम फॉर्मूला को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इवन एक्सेल का हर एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट फार्मूला से ही हम स्टार्ट किए तो फार्मूला को आप बहुत ही बेहतर तरीके से करिए क्योंकि फार्मूला अगर आपके पास है, तो आपको कोई जॉब से रोक नहीं सकता आप बहुत ही बेहतरीन जॉब कर सकते हैं और अपने लाइफ करियर को सेट कर सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है

ये सेल को काउंटिंग करने का काम करेगा ठीक है कितने सेल है कितने नंबर ऑफ सेल मतलब कि कितने संख्या है, सेल की कितने संख्या और कौन से सेल की बात कर रहा है तो उस सेल की बात कर रहा है दैट कंटेन नंबर्स यानी कि वैसा सेल जिसके अंदर कुछ नंबर रखा हुआ है कंटेन का मतलब होता है रखना वैसा सेल जिसके अंदर कुछ नंबर रखा हुआ है उस नंबर वाले सेल को काउंट करना है है, और ये कह रहा है कहां, कहां तक करेगा तो कोई स्पेसिफाइड रेंज होगा यानी कि जो भी हम रेंज देंगे उस रेंज के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल सेल होंगे उन सेल की काउंटिंग करेगा नॉट सम आप ध्यान से सुनिए यहाँ पे मैं सम की बात नहीं कर रहा जोड़ने की बात नहीं कर रहा काउंटिंग की बात करना तो इसको और बेहतर समझने के लिए हम एक टेबल देखते हैं और इस टेबल में आप देखेंगे कि एक कॉलम ए है ठीक है यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे कि ये जो हमारा ए है ए नंबर कॉलम है और यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन रो है ठीक है ये रो एंड कॉलम है रो इंडिकेट कर रहा है और कॉलम इंडिकेट कर रहा है बट हमारा जो मेन फोकस है उस वो इधर के जितने भी डेटा है इसके ऊपर फोकस करना है तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल डेटा है यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाला सेल खाली है फिर यहाँ पे नंबर है फिर सीता लिखा हुआ यानी कि टेक्स्ट है एंड लास्ट में हमारे पास थर्टी है जो कि डिजिट है तो अभी आप इस रेंज में देखेंगे कि कुछ नंबर भी है कुछ टेक्स्ट भी है एंड कुछ खाली सेल भी है तो इनमें से हमें काउंटिंग करना है लेकिन उस सेल को काउंट करना है जिस सेल में कोई नंबर रखा हुआ है ओके तो इसका हम सिंटेक्स देखते हैं तो सिंटेक्स हमारे पास कुछ इस तरह से होगा मैंने यहाँ पे इसका सिंटेक्स लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा हमने सिंटेक्स में मैंने समझाया हुआ है कि कोई भी फार्मूला यूज करना है तो सबसे पहले आपको इक्वल टू साइन को यूज करना होगा ओके बिना इक्वल टू का आप कोई भी फार्मूला यूज नहीं कर सकते तो मैंने सबसे पहले इक्वल टू साइन दे दिया और इक्वल टू करने के बाद हमने बताया था कि फार्मूला का नाम लिखना है तो फार्मूला का नाम क्या हो गया काउंट स्पेलिंग गलत नहीं होगा स्मॉल और कैपिटल हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपका स्पेलिंग जो है वो गलत नहीं होना चाहिए तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ और मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे सी ओ यू N टी काउंट ठीक है और काउंट में हमें क्या देना होता है रेंज मैंने पिछले क्लास में भी बताया हुआ है कि रेंज ऑफ सेल यानी कि कितने के बीच में हमें कैलकुलेशन करना है ठीक है तो रेंज ऑफ सेल के जगह पे हम क्या लिखते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि इसके जगह पे मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और फिर से मैं ब्रैकेट देता हूँ रेंज ऑफ सेल तो यानी कि ये हमारा रेंज है पहला सेल हमारा ये टेन लिखा हुआ है यानी कि ए नंबर कॉलम है और वन नंबर रो है और रेंज देने के लिए हम कॉलन का यूज करते हैं ये जो डबल बिंदु आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कॉलन ठीक है कॉलन तो हमने दिया कॉलन देने के बाद अब हमने लास्ट सेल का नाम लिखना होता है तो लास्ट सेल का नाम क्या हो गया ए नंबर कॉलम एंड सिक्स नंबर रो यानी कि ये हमारा रेंज हो गया आई होप कि आपको ये क्लियर हो पा रहा होगा कि हमने क्या बताया है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सही से कर देता हूँ ये हमने इरेज कर दिया ये पार्ट को और ठीक है मैं इसको फिर से सही से लिख देता हूँ यहाँ पे मैं आ, अच्छे से इरेज करके लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो तो हमने काउंट लिखा और ए लिखा यानी कि ये हमारा फर्स्ट सेल को इंडिकेट कर रहा है और कॉलोन ऑपरेटर ये बताता है कि यह स्टार्टिंग हो गया और एंडिंग सेल कोई है तो एंडिंग सेल हमारा ए नंबर कॉलम और सिक्स नंबर रो ए वन से लेकर के ए सिक्स तक के रेंज हो गया ठीक है ये हमारा ए वन हो गया और ये हमारा ए सिक्स हो गया तो इतना हमने रेंज दिया तो इसका आउटपुट क्या आएगा तो इनमें हमें काउंटिंग करना है वो सेल जिसके अंदर नंबर है तो अभी आप इस सेल को देखिए इस टेबल को देखिए और आप काउंटिंग करिए कि इस टेबल के अंदर कितने न्यूमेरिकल सेल है और कितने आपको टेक्सचुअल सेल दिख रहे हैं तो खैर हमने न्यूमेरिकल सेल से मतलब है तो हमें ये काउंटिंग करना है कि नंबर वाले सेल कितने हैं तो चलिए मेरे साथ आप काउंट करिए ये हमारा नंबर नंबर हो हो गया, ये आप यूं निकाल सकते कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं होता लेकिन एक का आपको समझ आना चाहिए इसलिए मैं फर्स्ट फॉर्मूला पे ज्यादा टाइम देता हूं अगला फॉर्मूला देखिए कितना आसानी से समझ में आएगा इसका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि काउंट काउंट का मतलब हो गया गिनना और ए का मतलब हो गया टेक्स्ट गिनना ठीक है यानी कि इट काउंट द नंबर ऑफ सेल ये उस सेल को काउंट करेगा दैट आर नॉट इम्पिटी इन द स्पेसिफाइड रेंज यानी कि कुछ ना कुछ उस सेल में होना चाहिए आइर नंबर होना चाहिए या टेक्स्ट होना चाहिए यानी कि जीरो टू नाइन तक कोई डिजिट हो या ए से लेकर जेड तक कोई अल्फाबेट हो कुछ भी हो उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए ठीक है तो इसका अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला तो हम कैसे लिखेंगे डायरेक्ट इक्वल टू काउंटर और पैरेंसिस count लिखेंग, के अंदर हमने रेंज दे दिया ए वन से लेकर के ए सिक्स तक ये हमारा रेंज हो गया तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा तो थ्री तो हमारे पास नंबर वाले सेल हो गए और टेक्स्ट वाले सेल कितने हो गए दो और ऐड हो गए तो टोटल हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया फाइव आ गया आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि काउंटा क्या करता है तो नंबर को तो काउंटिंग करता ही करता है साथ में डेटा को भी काउंटिंग करता है अब हम नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है काउंट ब्लैंक इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये क्या काउंटिंग करेगा तो काउंट करो लेकिन ब्लैंक सेल को काउंट करो इट काउंट्स इम्पिटी सेल यानी कि जो सेल खाली है उसको काउंट करो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ इक्वल टू काउंट ब्लैंक और पैरिस में हम रेंज दे देंगे A1 से लेकर के ए सिक्स तक तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा तो इसका आउटपुट वन आ जाएगा क्यों क्योंकि हमारे पास जो खाली सेल है वो एक ही है ये वाला सेल हमारा खाली है इसलिए इसका आउटपुट वन आ जाएगा आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा अब हम इसका एक प्रैक्टिकली दिखा देते हैं विंडोज आर करते हैं और हमने इसमें लिखते हैं एक्सेल और एक्सेल को हम ओपन करते हैं ओके और हमने यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लिया चलिए हम कुछ डेटा एंट्री कर लेते हैं कुछ उसी टाइप का हम डेटा एंट्री कर लेते हैं जैसे कि कुछ था हमारे पास ट्वेंटी था एंड राम था एक खाली सेल था फिर इसमें लिखा हुआ था ट्वेंटी एंड सी था एंड थर्टी यही कुछ नंबर था अब हम इसमें फार्मूला लगाने वाले हैं, काउंट फार्मूला फिर हम फार्मूला लगाने वाले हैं काउंटा एंड काउंट ब्लैंक ठीक है ये तीन हम इसमें यूज़ करने वाले हैं अब मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको समझ आए ओके तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं काउंट फार्मूला काउंट फॉर्मूला लगाने के लिए हमने बताया कि चाहे कोई भी फॉर्मूला क्यों ना हो उसके लिए हमें इक्वल टू साइन देना होगा फिर हमने लिखना होगा काउंट काउंट फार्मूला हमने दिया पैरेंथेसिस ओपन किया और हमें रेंज देना होता है तो हमारे इस सेल के अकॉर्डिंग ई नंबर कॉलम एंड देखिए यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ देखिए ये हमारा पहला सेल हो गया ई फोर ठीक है एंड कॉलन ऑपरेटर हमने दिया और लास्ट सेल हमें देना होता है ई नाइन तो यहां पे आप रेंज भी समझ सकते हैं ई फोर ई नंबर कॉलम और फोर नंबर रोज वाले सेल से स्टार्ट करो और फिर ई नंबर कॉलम एंड नाइन नंबर रो वाले सेल तक पहुंचो तो ये इसका सेल का रेंज हो गया एंड हमने ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया अभी आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट कितना आ गया थ्री तो ये थ्री क्या काउंट कर रहा है तो नंबर वाले सेल को काउंट कर रहा है ओके okay? अगर हमने काउंटा करना है काउंटा तो काउंटा हमने किया काउंटा करने के बाद अब हम फिर से वही रेंज दे देते हैं और रेंज देने के बाद हम फिर से एंटर करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि काउंटर के लिए क्या रिजल्ट आ गया फाइव बिकॉज कि यहाँ पे थ्री ऐसे सेल है जो कि नंबर वाले हैं एंड दो ऐसे सेल हैं जो कि टेक्स्ट वाले हैं ओके okay? तो यहाँ पे अभी आप समझ सकते हैं कि ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे तो काउंटा कहलाएंगे काउंटा में नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है काउंट ब्लैंक की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि ये खाली सेल को काउंट करेगा काउंट ब्लैंक ठीक है काउंट ब्लैंक फॉर्मूला हमने ऐड किया और फिर से हमने वो रेंज दे दिया तो जो अभी रेंज में देखिए कि केवल एक सेल जो है वो खाली है इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा ब्लैंक आएगा वन आएगा आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा काउंट काउंटर एंड काउंट ब्लैंक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम टेक्स्ट फंक्शन को पढ़ेंगे और टेक्स्ट फंक्शन को हम समझेंगे और आज भी हमने डमी डेटा पे काम किया है और प्रीवियस वीडियो पे भी हमने डमी डेटा पे काम किया था लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसको हम एक टेबल से इंडिकेट करेंगे और उस टेबल में भी हम काउंट काउंटर काउंट ब्लैंक एंड जो हमने बेसिक कल पढ़ा हुआ है उन सब फॉर्मूला को हम यूज करके एक टेबल पे काम करने वाले है क्योंकि हमें किसी भी टेबल पे काम करना है तो काम करने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक फार्मूला कम्पलीट होना चाहिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने थ्री फार्मूला को देखा और पिछले क्लास में हमने चार फार्मूला को देखा था तो टोटल तो अभी तक हमने सात फॉर्मूला को सीख चुके हैं तो इन सातों के मदद से अब हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और टेबल के ऊपर हम धीरे धीरे काम करना सीखेंगे और एक ऑफिशियल तरीके से एक प्रोफेशनल तरीके से अभी हम काम करना सीखेंगे फॉर्मूला को यूज करना सीखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और ऑफिस में कैसे काम किया जाता है उस बेस पे हम काम करने वाले हैं और इन सभी फॉर्मूला को यूज करेंगे और कल के वीडियो में हम टेक्स्ट फंक्शन को भी नया कुछ सीखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि कल का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और उसे आप जरूर देखिएगा आज का जो हमारा फॉर्मूला का टॉपिक है वो है टेक्स्ट फंक्शन चां जो कि हम बहुत सारे टेक्स्ट के ऊपर फंक्शन अप्लाई करने वाले हैं लेकिन टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करने से पहले हम कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि एक टेबल के ऊपर हम कैसे काम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेबल बनाते हैं उस टेबल के ऊपर हम फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे इसको आज हम समझेंगे उसके बाद हम टेक्स्ट फंक्शन को समझेंगे अगला जो हमारा टॉपिक होगा एक्सेल टेक्स्ट फंक्शन फॉर्मूला तो इसको हम समझेंगे लेकिन पहले हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं और टेबल को हम कुछ जो बेसिक फंक्शन हम पढ़ चुके हैं उसके बेस पे हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना चाहते हैं ताकि फंक्शन पढ़ लेना एक अलग बात होता है फंक्शन को कैसे यूज़ करना है कहाँ पे यूज़ करना है ये इंपॉर्टेंट रोल होता है जैसे मैं एक एग्जांपल एग्जाम्पल कि जैसे आपको बंदूक चलाना सीख चुके हैं लेकिन केवल बंदूक चलाना सीख लेने से ही कुछ नहीं होता उस पर अच्छे से निशाना लगाने भी आना चाहिए ओके तो वही बात है कि केवल हम फॉर्मूला पढ़ते जाएँ पढ़ते जाएँ तो कोई मतलब ही नहीं बनता जब तक हम उसको प्रैक्टिकली ना लाए तो हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं और टेबल हम एक स्टूडेंट का टेबल बना रहे हैं जिसका रोल नंबर है कुछ उसका कुछ नेम है उसका कुछ सब्जेक्ट मार्क्स है जैसे कि हिंदी है हिंदी हो गया इंग्लिश हो गया ठीक है उसके बाद कुछ मैथ है ठीक है हमने तीन सब्जेक्ट ले लिया और तीनों सब्जेक्ट का हम एक टोटल बनाएंगे यानी कि जैसे स्टूडेंट का जिसमें जिस सब्जेक्ट में जितना नंबर आया उतना उसका टोटल हमें दिखाई दे अब हम एंट्री करने वाले हैं लेकिन देखो आ, हम टेबल बना रहे हैं टेबल बनाने से पहले हमें सबसे पहला काम होता है कि एक एरिया डिसाइड कर देना है कि हमें काम कितना में करना है क्या काम करना है सबसे पहले हम अपने टेबल पे एक बॉर्डर सेट कर देते हैं जैसे कि यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि हमें बॉर्डर सेट करना होता है तो हम कैसे सेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर ऑप्शन है और बॉर्डर ऑप्शन में हम जाके कर देते हैं ऑल बॉर्डर ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करने से क्या होगा कि जो भी हमारा सिलेक्टेड एरिया है उन सभी पे एक बॉर्डर डिसाइड हो जाएगा बॉर्डर लग चुका है अभी आप क्लियर देख सकते हैं कि सारे रोल्स एंड कॉलम्स अब बॉर्डर में डिवाइड हो चुके हैं ओके okay? तो अब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं जैसे कि कोई रोल नंबर वन है जिसका नाम कुछ मोहन हम रख लेते हैं ठीक है हिंदी में उसका सब्जेक्ट आया थर्टी थर्टी बहुत कम हो रहा है हम इसको रख लेते हैं फोर्टी फाइव इंग्लिश में उसका नंबर आ गया फिफ्टी फाइव एंड मैथ में नंबर आ गया सेवेंटी फाइव लेकिन टोटल टोटल कैसे करेंगे तो हमें पता है कि जितने भी न्यूमेरिकल डेटा है उसको जोड़ना है और हम ऑलरेडी सम करने के फॉर्मूला हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल डेटा को कैसे जोड़ेंगे उसके लिए हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिए अगर आपको सम करने नहीं आता है नंबर्स को जोड़ने नहीं आता है तो ऊपर आई बटन पर आपको एक लिंक मिलेगा उस लिंक पे जाके आप बेसिक फॉर्मूला देख सकते हैं और वहां पर आप सम करना मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना ये सारी चीजें सीख सकते हैं वहां पर और भी बहुत सारे मैक्स मिन कैलकुलेट करने की फॉर्मूला ने बता रखा है वहां से आप विजिट कर सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पे नंबर ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सम, यूज करेंगे सम सम एस यू एम करते करते हैं और करते हैं और और ऑन जितने भी हमें नंबर जोड़ने हैं उनको सेलेक्ट करके फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पे टोटल हमारा एडिशन आ चुका है 175 इसको और भी अच्छे तरीके से अभी रिप्रेजेंट करना है तो इसका हम अलाइनमेंट सेट कर देते हैं सेंटर जिससे क्या होगा कि सारा डेटा हमारा सेल के बीचों बीच दिखाई देगा आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा इसी तरह से हम और भी एंट्री कर लेते हैं जैसे कि रोल नंबर टू हो गया यहाँ पे राम हो गया राम का हिंदी में मार्क्स आ गया है थर्टी फो थर्टी सिक्स एंड इंग्लिश में आ गया है इसका कुछ आ, थर्टी एट एंड मैथ में आ गया है और मैथ इसका वीक है सपोज़ राम का जो मैथ है ये वीक है इसमें ट्वेंटी फाइव नंबर ही आया ठीक है इसी तरह से हम एंट्री करते चले जा रहे हैं तो हम ऐसा कर लेते हैं कि ड्रैग कर लेते हैं हमारा समय बच जाएगा तो हमने यहाँ पे बहुत सारे नंबर एंट्री कर लिए दस स्टूडेंट का नाम एंट्री हो गया अब मैं नेम को भी ड्रैग कर लेता हूँ नेम में राम लिखा हुआ है मैंने राम को ड्रैग कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे नाम आ चुके हैं ये जो काम होता है इसको हम बोलते हैं ऑटोफिल अगर आपको ऑटोफिल कंसेप्ट नहीं पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए हम आपको ऑटोफिल भी समझा देंगे कि मैंने एक नाम को ड्रैग किया तो बहुत सारे नाम कैसे आ गए चलिए अब हम इनके डेटा भी एंट्री कर लेते हैं जैसे मोहन है तो मोहन को हम ऐसे कुछ नंबर देते चले जाते हैं फोर्टी हो गया फिफ्टी हो गया एंड यहाँ पे सिक्सटी सिक्स हो गया और इसका नंबर हो गया सेवेंटी सेवन हो गया फिर एट्टी एट हो गया ठीक है सेवेंटी फाइव हो गया इसी तरह से अब हम डेटा को भर लेते हैं बहुत सारा डेटा को हम यहाँ पे तो ये कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया डेटा जल्दी से भर गया अब देखिए बेसिक सा ट्रिक एक है बहुत ही अच्छा एक ट्रिक है ट्रिक ये है कि अगर सेम फॉर्मूला सब में अप्लाई करना है अगर सेम फॉर्मूला सब में अप्लाई करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे जिस सेल में फार्मूला लगा हुआ है उस सेल को आप कर दो ड्रैग ठीक है ये हो गया ड्रैग, ड्रैग करने से जिसका जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे एक टाइम में रिजल्ट आ चुका है सेव होके आ चुका है अगर ड्रैग करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए लेकिन वो भी सेल सेलेक्ट होना चाहिए जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ है जैसे हम डाउन फिल करेंगे देखो फिर से हमारा सारा का सारा एडिशन एक बार में हो गया कितना आसान तरीका है डाउन फिल करके हम क्या कर दिए यहाँ पे सेम फॉर्मूला को सब में कॉपी पेस्ट कर दिए एक ही बार में सबको फिल कर दिए तो यहाँ पे अभी आप समझ चुके हैं कि हमने मैक्सिमम सब सारे नंबर का एडिशन कर लिया अब मैं यहाँ पे ये ढूंढना चाहता हूं कि टॉप कौन किया है ठीक है यानी कि जो स्टूडेंट्स है स्टूडेंट में सबसे टॉप कौन किया टॉप कहने का मतलब कि सबसे हाईएस्ट नंबर किसका है तो हाईएस्ट नंबर निकालना है तो उसके लिए हम मैक्स फार्मूला का यूज करते हैं यू नो कि मैक्स फार्मूला क्या होता है जो भी सिलेक्टेड हम रेंज देंगे उसमें जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वो मैक्सिमम नंबर यहाँ पर रिटर्न होके आ जाएगा ये सारे फार्मूला हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया हुआ है आपको इसी प्लेलिस्ट में फॉर्मूला का फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट टॉप किया है उसका मार्क्स कितना है तो टू यानी कि प्रिया जो है टॉप कर चुकी है ओके और यहाँ पे अगर हम बॉटम निकालना चाहते हैं यानी कि सबसे कम किसका नंबर है तो उसके लिए हम मीन फंक्शन का यूज करेंगे एम आई एन मीन मीन का मतलब मिनिमम यानी कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सा है तो हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया प्राइनथेसिस ऑफ किया एंड एंटर बटन प्रेस किया तो जो विशाल है हमारे पास विशाल का सबसे कम मार्क्स आया है 99 और एक यहाँ पे राम भी है तो राम का भी क्या आया 99 है नाइन्टी या, नाइन यानी कि 99 से कम किसी का नहीं है अब यहाँ पे 99 तो दो है तो यहाँ पे सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू है वो 99 है तो जो फर्स्ट वाला है वही रिटर्न हो चुका है अगर मैं इसको कम कर दू यहाँ पे मैंने फोर कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइन्टी आ चुका है ओके अगर मैं यहाँ पे नाइनटी कर दू तो 97 आ जाएगा ठीक है इसको मैं 5 कर देता हूँ यहाँ पे 96 हो चुका है तो यहाँ पे जो जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगा वो छोटी वैल्यू यहाँ पे हमारा आउटपुट में आ जाएगा आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया आज का जो हमें फंक्शन पढ़ना है आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है टेक्स फंक्शन और टेक्सट फंक्शन क्या होता है उसको हम समझेंगे तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टेक्सट फंक्शन को हम टेक्सट फंक्शन को पहले देखते हैं उसका थ्योरी क्या क्या कह रहा है तो यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन जो है वो है लेफ्ट लेफ्ट फंक्शन कह ये रहा है कि इट रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि इसमें एक चीज तो है कि ये नंबर रिटर्न करेगा और कितना नंबर रिटर्न करेगा तो जो भी नंबर हम स्पेसिफाई करेंगे उतना नंबर को ये करेगा रिटर्न और किधर से करेगा तो लेफ्ट साइड से करेगा ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग द नंबर इज नॉट स्पेसिफाइड इट रिटर्न द फर्स्ट कैरेक्टर कह रहा है कि अगर कोई नंबर डिफाइन नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा तो फर्स्ट कैरेक्टर को रिटर्न कर देगा तो इसको हम साथ के साथ प्रैक्टिकल भी करते चलते हैं और ये तो आपको मैक्स मिन टॉप बॉटम समझ में आ चुका है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट ठीक है मैंने यहाँ से क्लियर ऑल कर दिया अब मैं यहाँ पे ये यह चाहता हूँ कि जो नेम है नेम का फर्स्ट थ्री लेटर मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ फर्स्ट थ्री ओके okay, मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दिया फर्स्ट थ्री लेटर और uh, नेम के जो भी फर्स्ट थ्री लेटर होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए ठीक है तो इसके लिए फर्स्ट थ्री लेटर कहने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड से क्योंकि हमारा फर्स्ट जैसे यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि मोहन है तो मोहन का फर्स्ट थ्री लेटर क्या हो गया एम ओ एच तो इसी तरह से हर नेम का फर्स्ट थ्री लेटर यहाँ पे आने चाहिए तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे एल ई एफ टी लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड से हमें क्या चाहिए तो इस नाम का लेफ्ट साइड से कॉमा थ्री थ्री कैरेक्टर हमें चाहिए एक बार मैं जूम करके फॉर्मूला फिर से समझा देता हूँ यहाँ पे अभी आप नोटिस करे लिखा हुआ है लेफ्ट डी फोर डी फोर का मतलब डी नंबर कॉलम और फोर नंबर रो डी नंबर कॉलम एंड फोर नंबर रो तो यहाँ पे डी फोर में क्या है मोहन है ठीक है तो यहाँ पे कह रहा है कि लेफ्ट साइड से मोहन का थ्री कैरेक्टर चाहिए अब ये जो नंबर आप स्पेसिफाई करोगे उतने कैरेक्टर यहाँ पे अपीयर हो जाएगा अगर टू कैरेक्टर टू नंबर पास करोगे तो दो ही अक्षर आएंगे पांच लिखोगे तो पांच अक्षर आएंगे कुछ नहीं लिखोगे ना तो बाय डिफॉल्ट वो वन रखेगा जीरो रखोगे तो कुछ नहीं आएगा बट अगर खाली छोड़ दो डिलीट कर दो ऐसे ही डी फोर करके आप एंटर कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो वन कैरेक्टर एज इट इज मानेगा ठीक है यानी कि फर्स्ट लेटर को वो रिटर्न कर देगा तो फिलहाल मैंने यहाँ पे थ्री रख के पास करता हूँ और मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे एम ओ एच आ चुका है और सेम फॉर्मूला मैं सभी के लिए अप्लाई कर देता हूँ तो इसके लिए मैंने डाउन फिल कर लिया तो अभी आपने देखा कि सबका सब एक बार में रिजल्ट हमारा सामने आ चुका है अब किसी भी सेल को उठाकर देख लो यहाँ पे हर सेल में थ्री अक्षर ही मिलेंगे आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा वैसे ही एक और फॉर्मूला है राइट यानी कि लास्ट आ, लास्ट से अगर हमें कोई नंबर चाहिए जैसे कि मान लो कि हमें स्टूडेंट का यहाँ पे एक हम कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे मैंने लिखा मोबाइल नंबर ठीक है एम ओ बी आई एल ठीक है मोबाइल नंबर है अब सपोज मोहन का मोबाइल नंबर कुछ है नाइन एट सेवन सिक्स फाइव थ्री फोर थ्री टू वन जीरो ठीक है यहाँ पे मोहन का मैंने मोबाइल नंबर लिख लिया यहाँ पे आ, राम का भी मोबाइल नंबर मैं लिख लेता हूँ तो इसका हो गया एट नाइन सेवन सिक्स फाइव फोर टू वन थ्री कुछ मैंने यहाँ पे इसके भी मोबाइल नंबर को एंट्री कर लिया लेकिन अब समस्या ये है कि मोबाइल नंबर के लास्ट चार डिजिट मुझे चाहिए सबके मोबाइल नंबर का लास्ट फोर डिजिट चाहिए तो आप ऐसे ही नंबर एंट्री कर लो बस कंसेप्ट समझ लो कि आ, हमने कहा लास्ट आ, फोर डिजिट ठीक है हमने हेडिंग यहाँ पे क्या दे दिया लास्ट फोर डिजिट अभी आप यहाँ पे समझेंगे मैंने यहाँ पे क्या किया लास्ट फोर डिजिट लिखा मतलब किसका मोबाइल नंबर का लास्ट हमें चार अंक चाहिए तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे राइट क्योंकि राइट right साइड से हमें अक्षर चाहिए आर आई जी एस टी राइट और किसका चाहिए तो हमें इस सेल से राइट right साइड से कितने अक्षर चार अक्षर तो मैंने फोर नंबर पास कर दिया एंटर कर करके देखा तो यहाँ पे अभी आप नोटिस करेंगे कि लास्ट फोर डिजिट जो है हमारा आ चुका है थ्री टू वन जीरो थ्री टू वन जीरो और सेम चीज को मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे आ गया टू थ्री वन जीरो नंबर डमी था लेकिन समझने के लिए आसान था कभी कभी आपको कुछ इस तरह का टेबल मिल सकता है जिसमें आपके अकाउंट नंबर हो और हर अकाउंट का लास्ट फोर डिजिट चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे तो लास्ट राइट फार्मूला का यूज कर सकते हो ओके तो आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा राइट फार्मूला एंड लेफ्ट फार्मूला एक और बहुत ही बेहद फार्मूला आसान है जिसको हम बोलते हैं मीड मीड का मतलब होता है मीडियम यानी कि अगर हम नाम की ही लेके कर चले मीड फॉर्मूला में यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो मीड में मैं ये चाहता हूँ कि दूसरे नंबर अक्षर से तीन अक्षर आए यानी कि हर नाम का सेकंड नंबर कैरेक्टर से थ्री कैरेक्टर हमें दिखाई देना चाहिए ठीक है तो हमने इक्वल टू किया मिड फंक्शन का यूज़ किया और यहाँ पे मैंने पास किया कि ये नेम हो गया मोहन और मोहन के दूसरे नंबर अक्षर से तीन अक्षर मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस दिया और अब हम करेंगे यहाँ पे एंटर ओके अभी आप फॉर्मूला को मैं फिर से समझा देता हूं अब देखो मिड का मतलब होता है मिडिल बीच में से निकालना है किसके बीच में से तो डी फोर में क्या लिखा हुआ है तो मोहन लिखा हुआ है तो मोहन के सेल में से दूसरा नंबर सेल दूसरा नंबर कैरेक्टर दूसरा नंबर कैरेक्टर क्या हो गया एम यानी कि दूसरे नंबर पे ओ आ रहा है तो ओ से थ्री अक्षर यानी कि ओ को काउंटिंग करते हुए थ्री अक्षर अगर मैं मोहन को देखूं तो यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है ओ एच ए यानी कि ओ एच ए आना चाहिए यहाँ पे भी आप देखेंगे ओ एच ए आ चुका है आई होप कि आपको यह क्लियर हो चुका होगा और मैं इसको एक बार ड्रैग करता हूँ नीचे राम है तो राम में चूंकि फर्स्ट लेटर को तो छोड़ ही देगा दूसरे नंबर से स्टार्ट करेगा तो राम में दूसरे नंबर पे ए है तो ए से स्टार्ट करेगा लेकिन तीन अक्षर चाहिए तो यहाँ पे ए और एम ही है आगे कुछ है हाँ ही नहीं तो ये दो ही कैरेक्टर रिटर्न करेगा देखिए यहाँ पे अब दो ही कैरेक्टर आ चुका है ए और एम तो यहाँ पे हमने तीन फॉर्मूला को देखा लेफ्ट राइट और मीड एक्चुअली इन सब का यूज़ कब किया जाता है तो जैसे कि लास्ट डिजिट का तो मैंने बता दिया कि अकाउंट नंबर का फोर डिजिट लास्ट का चाहिए तो उसके लिए आप राइट फंक्शन right का यूज़ कर सकते हैं लेकिन लेफ्ट और मिड का कहाँ पे यूज़ होता है तो जैसे किसी का यूनिक नंबर बनाना होता है ना तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं जैसे कि नाम एंड डेट ऑफ बर्थ इनके लास्ट फोर डिजिट को मिला के हम एक यूनिक आई बनाना चाहते हैं एक यूनिक नंबर uh, बनाना चाहते हैं तो हम अलग अलग कैलकुलेट करके फिर उनको हम जोड़ भी सकते हैं तो जोड़ने का भी फॉर्मूला होता है लेकिन धीरे धीरे हम सारे फॉर्मूला को पढ़ेंगे आज का जो ये वीडियो लेक्चर था हम आज हम तीन फॉर्मूला को पढ़ने वाले थे जिसमें हमने एक लेफ्ट को देख लिया दूसरा है राइट राइट का भी काम सेम ही है कुछ कैरेक्टर रिटर्न करना लेकिन कितना जितना हम नंबर स्पेसिफाइड करेंगे उतने कैरेक्टर को रिटर्न करेगा बट राइट साइड से अगर हम कोई नंबर स्पेसिफाइड नहीं करते हैं तो वो केवल फर्स्ट कैरेक्टर को ही रिटर्न करेगा अब यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर कहने का मतलब क्या है कि राइट साइड से फर्स्ट कैरेक्टर यानी कि सबसे लास्ट कैरेक्टर जो है वो रिटर्न करेगा लेफ्ट में फर्स्ट कैरेक्टर कहने का मतलब कि लेफ्ट साइड से पहला अक्षर आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा अब हम थर्ड को देख लेते हैं थर्ड कह रहा है कि कह रहा है कि पहला जो हम नंबर देंगे वो स्टार्टिंग नंबर होगा कि कितने नंबर कैरेक्टर से स्टार्ट करना है और दूसरा जो नंबर हम देंगे वो कितने कैरेक्टर चाहिए ध्यान से सुनिएगा कितने नंबर से कितना नंबर दो हम कैरेक्टर दो नंबर पास कर रहे थे ना मिड में तो हमने दो नंबर दिया था एक टू दिया था और एक थ्री दिया था मतलब क्या था कि दो नंबर से तीन अक्षर को वो रिटर्न करे आई होप कि ये आपको तीनों फंक्शन क्लियर हो चुका होगा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इस वीडियो को एक बार जरूर रिपीट करके देखें क्योंकि सारा कंसेप्ट बहुत इजी है एक बार फिर से रिपीट करके देखेंगे तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो जाएगा अगर फिर भी कोई भी डाउट है कोई भी क्वेश्चन कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं ये तीन फंक्शन को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ है और आज जो हमें समझना है आज का जो ये वीडियो लेक्चर होगा वो हम पढ़ेंगे लेन फंक्शन से अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके इन तीनों फंक्शन को आप समझ सकते हैं प्रीवियस वीडियो आप जरूर विजिट कर ले आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हर एक कोर्स का अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा आप वहां से आसानी से विजिट कर सकते हैं वहां से आपको हर एक वीडियो ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाएगा सबका ग्रुपिंग मिल जाएगा आप इजी वे में सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं तो हम अपना ये लेन फंक्शन को समझते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है टेक्स्ट फंक्शन का जो हमारा पहला फंक्शन है वो है लेन फंक्शन लेन की फुल फॉर्म की बात करें तो लेन का मतलब होता है लेंथ लेंथ और को ही शॉर्ट में लिखा हुआ है लेन तो लेन एक्चुअली लेंथ का शॉर्ट फॉर्म है लेन एक फॉर्मूला का फंक्शन का नाम है जो क्या करता है तो जो भी टेक्स्ट है जो भी स्ट्रिंग है उसके ये क्या करेगा तो लेंथ को कैलकुलेट करेगा सपोज कि हमारे किसी सेल में कोई नाम लिखा हुआ है जैसे कि सपोज किसी सेल के अंदर लिखा हुआ है राम ओके okay? अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि ये जो भी नेम लिखा हुआ है इस नेम का लेंथ कितना है तो हम कैसे लिखेंगे तो इसका सेंटेक्स साथ के साथ देखते चलिए हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो इक्वल टू देते हैं और इक्वल टू लिखने के बाद हम फार्मूला का नेम लिखेंगे और फिर उस सेल का नाम सपोज कि ये ए नंबर कॉलम एंड वन नंबर रो है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए वन ओके एंड बटन हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला वर्क कर जाएगा और साथ में इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा थ्री बिकॉज कि राम जो मैंने नाम लिखा उसमें थ्री लेटर्स है आई होप कि ये क्लियर हो चुका है इवन सन सबका सेम ही रहेगा क्योंकि हमने टेक्स्ट फंक्शन पे अप्लाई करना है और यहाँ पे जो भी हम सेल में कोई टेक्स्ट लिखे हैं वो सेल को नेम को हम यहाँ पे लिख देंगे अदरवाइज आप यहाँ पर डायरेक्ट डेटा भी एंट्री कर सकते हैं सपोज हम दूसरे सेन्टेक्स को देखें हम सेमी फॉर्मूला लगाएंगे लेन लेन के जगह पे अब हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ एवन तो एवन चूंकि सेल का नाम है तो नेम के जगह पे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं सपोज मैंने लिख दिया मोहन यहाँ पे मैंने दूसरा नाम लिख दिया मोहन तो मोहन के अंदर कितने कैरेक्टर है तो इसको मैं एंटर करूंगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा तो आप काउंटिंग कर सकते हैं इसमें कितने कैरेक्टर है ओके फाइव कैरेक्टर है तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा फाइव इवन यहाँ पे व्हाइट स्पेस कैरेक्टर को भी एज अ कैरेक्टर काउंट करता है यानी कि अगर हमने कहीं स्पेस दिया तो उसको भी एक कैरेक्टर ये काउंट करता है तो चलिए इसका हम एक प्रैक्टिकली देख लेते हैं साथ के साथ हम देखते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा तो मैंने यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लिया और एक्सेल ओपन करने के बाद ब्लैंक फाइल हमने ओपन किया यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ नाम सपोज मैं एक आ, ऐसा करता हूँ कि इसमें सबसे पहले मैं लिखता हूँ राम ठीक है आ, राम का मैंने नाम लिख दिया और फिर यहाँ पे मैं ये चेक करता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया लेंथ ओके okay? और यहाँ पे मैं पेज को जूम कर देता हूं ताकि हमें कंटेंट दिखाई दे और यहाँ पे लेंथ आप कैलकुलेट करना है तो किसका लेंथ कैलकुलेट करना है तो नेम का और नेम हमारा क्या लिखा हुआ है

गुड बॉय ठीक है ये क्या है तो इसको मैं एक दे हेडिंग तो हमने लेंथ कैलकुलेट करना सीख लिया अब हम नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है तो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं पहले मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूं देन मैंने नेक्स्ट ऑप्शन दिखाया नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है प्रोपर प्रोपर एक बेहद ही पॉपुलर फॉर्मूला है इसका बहुत ही ज्यादा तो यूज होता है प्रॉपर फंक्शन क्या करता है कि इट कन्वर्ट्स द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इसके कहने का क्या मतलब हुआ कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर को क्या करना है तो कैपिटल करना है ठीक है इट कन्वर्ट्स द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन अ टेक्स्ट इन स्ट्रिंग इट टू अपर केस आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा जैसे कि हमने लिखा है राम इज अ बॉय तो मैंने जो एक्सेल में इस तरह से जो कंटेंट लिखा हुआ है तो इसमें फर्स्ट लेटर ही कैपिटल है, बाकी सारे हर एक वर्ड का जो जितने भी कैरेक्टर है वो सभी स्मॉल है लेकिन प्रॉपर कहता है कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा ओके तो चलिए इसको भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं तो हमने आगे यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मूला लगाने वाला हूँ तो मैं फॉर्मूला का नाम लिख देता हूँ पहले ताकि हमें समझ में आए कि हमने यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाया हुआ है okay, ओके तो मैंने लिखा इक्वल टू पी आर ओ ई आर स्पेलिंग गलत होगा फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा हमने प्रॉपर दिया प्रॉपर देने के बाद किस वर्ड का निकालना है तो जो भी सेल का नाम देना है आप सेल का नाम डायरेक्टली दे सकते हैं कोई इशू नहीं है आप डायरेक्ट सेल का नाम दीजिए और रन कराइए देखिए आप यहाँ पे खुद नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में राम लिखा हुआ है एंड राइट साइड में जो फॉर्मूला के थ्रो राम है इसमें हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो चुका है कैपिटल हो चुका है होप कि ये क्लियर हो पा रहा होगा ओके तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन को अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन है रिपीट आर ई पी टी रेप्ट लिखा हुआ है बट इसका वर्क क्या है रिपीट करना

जो भी हमारा कंटेंट है उसको रिपीट करना ओके okay? तो चलिए हम इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं रिपीट का काम क्या है तो हमने यहाँ पे एक अलग नेम लिख लेते हैं क्योंकि सेंटेंस को रिपीट कराएंगे तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा मैंने यहाँ पे राम लिख दिया और यहाँ पे राम को मैं करता हूँ रिपीट इक्वल टू आर ई पी टी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है पूरा कंप्लीट रिपीट नहीं लिखना है आर ई पी टी रेप नहीं लिखना है आपको क्योंकि ये फॉर्मूला का नाम है इसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करना है पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद सिलेक्ट करना है जिस भी वर्ड सेंटेंस कैरेक्टर को रिपीट करना है उसको सेलेक्ट कीजिए सिलेक्ट करने के बाद कॉमा दे के हम रिपीट कितने बार रिपीट करना चाहते हैं तो वह हम नंबर स्पेसिफाई कर देंगे सपोज हमने किया फाइव यानी कि फाइव टाइम्स रिपीट करना है ओके okay, तो अभी जस्ट मैं एंटर करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि बिल्कुल राम राम लिख दिया है बट हम कं, कंफ्यूज है कि कितने टाइम्स लिखा तो ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि बिकॉज कि हमने राम तो लिखा बट एक स्पेस ऐड नहीं किया हमने एक स्पेस साथ के साथ ऐड कर देते हैं हम रिपीट करते हैं अभी आप देखिए ये राम राम जो है अब इसमें स्पेस एक गैपिंग भी आ चुका है आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हो पा रहा होगा हमारे एक स्पेस ऐड कर देने से क्या हुआ कि यहाँ पे जो राम वर्ड्स वर्ड्स उन हर के साथ स्पेस में रिपीट हो फंक्शन okay, आप भी, कि कि तो भी आपने समझ लिया अब हम एक और फंक्शन को देखते हैं एक और फंक्शन क्या कहता है तो अपर 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 मींस नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अपर का, का काम क्या है इट कन्वर्ट्स टेक्स्ट स्ट्रिंग टू अपर केस यानी कि जो भी टेक्स्ट लोअर केस में लिखा हुआ, लिखा हुआ है, इसको मैं, करता हूं में, मैं यहाँ पे फॉर्मूला का नाम लिख देता हूँ अपर और मैंने यहाँ पे क्या किया कि फॉर्मूला लगाया इक्वल टू यू डबल ई आर अपर एंड ब्रैकेट स्टार्ट देन हमने सेलेक्ट कर लिया फिर ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया अभी आप यहां पे देखेंगे कि जो राम इज अ बॉय लिखा हुआ है वो सभी किस लेटर में लिखे हुए सभी कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं टोटल जितने भी कैरेक्टर है वो सभी के सभी क्या हो चुके हैं तो कैपिटल हो चुके हैं सिमिलरली एक और सेम टू सेम फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का नाम है लोअर लोअर -E इस फार्मूला को भी हम अप्लाई करते हैं इक्वल टू लोअर एंड हमने पैरेंसिस स्टार्ट किया और हम किसी को भी नाम दे सकते हैं जैसे कि ये अपर है इसी को ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं इवन हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कोई मैटर नहीं करता लेकिन जो भी सेल सेलेक्ट करेंगे जिसमें जो कुछ भी कंटेंट लिखा होगा उसको क्या कर देगा तो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं तो आज हमने क्या क्या सीखा तो आज हमने सीखा कि किसी भी वर्ड कैरेक्टर सेंटेंस के बीच का लेंथ कैलकुलेट करना है तो उस टेक्स्ट लेंथ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंथ मूड का 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 काम काम क्या क्या है है हर करना upper का upper formula जो है ये जो भी सेंटेंस हमने लिखा हुआ है उसको कैपिटल लेटर में कर देगा लोअर का काम होता है कि small letter में convert करना and एक हमने बहुत ही बेहतरीन एक फॉर्मूला देखा था उस फॉर्मूला का नाम है रिपीट यानी कि फॉर्मूला ऐसा है कि जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट को वो बार-बार रिपीट -बार करेगा और कितने बार रिपीट करेगा तो उसके लिए भी हमें एक नंबर स्पेसिफाई करने होंगे कि हम कितने बार रिपीट करना चाहते हैं ओके okay, तो ये हमारा ओवरऑल आज का ये वीडियो लेक्चर का समरी हो गया और ये हमारा थ्योरी हो गया तो यहां पे अभी आप देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या-क्या समझा लेन प्रॉपर रिपीट अपर एंड लोअर अगर इन पांच फंक्शन में आपको कहीं भी कोई भी डाउट है कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई करूंगा आपको हर डाउट क्लियर करूंगा आज का जो टॉपिक है आज हम डेट फंक्शन के ऊपर बात करेंगे यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी ऑफिसियल काम करना होता है तो डेट को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेट को मैनेज करना सीखेंगे डेट पे हम कैसे काम कर सकते हैं उसको हम आज समझने वाले हैं तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं

ये क्या करता है तो डेट एंड टाइम दोनों को ये रिटर्न करता है और करंट का मतलब होता है कि जो भी आपके सिस्टम में जो भी आपका लैपटॉप कंप्यूटर होगा उसके अंदर जो भी डेट एंड टाइम उस टाइम पे हो रहा होगा इमीडिएटली जब हम नाउ फॉर्मूला का यूज कर रहे होंगे उस टाइम पे जो भी डेट एंड टाइम हो रहा होगा वही डेट एंड टाइम हमारे एम के सीट पे एपियर होने वाला है ओके okay? और यहाँ पे क्या है कि वैल्यू रिटर्न बाय द नाउ फंक्शन विल बी इस टाइम यानी कि हर टाइम जब चाहे तब हम इसमें कोई भी टाइम और डेट को इंसर्ट कर सकते हैं और एक और इसकी बहुत ही अच्छी बात है होने की को अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कह सकते हैं अपडेट कह सकते हैं ठीक है यानी कि हमेशा ये क्या हो सकता है तो अपडेट करेगा और कब कब अपडेट करेगा जब हम कोई जब हम अपने एम एस वाले फाइल को रीओपन करेंगे या फिर हम अपने सीट में कोई अदर फॉर्मूला या कोई अदर काम करेंगे तो वो अपने आप जब हमारा पेज रिफ्रेश होगा अपडेट होगा वो ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट हो जाता है डेट एंड टाइम अगर एक मिनट पहले का टाइम हमने इंसर्ट किया है एक मिनट के बाद अगर हमने फिर एमएस एक्सेल के स्प्रेडशीट पे हमने काम किया तो वो ऑटोमेटिक डेट को चेंज कर देगा और टाइम को भी चेंज कर देगा ये बहुत ही खूबसूरत सा एक ऑप्शन है कि जो भी करंट डेट एंड टाइम है उसको लिखने के लिए एक और बहुत ही आसान सा एक फंक्शन है डे ये एक ऐसा फॉर्मूला है ये क्या करता है कि किसी भी डेट में से डे को फाइंड आउट करता है और यहाँ पे कह रहा है कि दिस फंक्शन रिटर्न द डे ऑफ द डेट यानी कि कोई डेट लिखा हुआ है और उस डेट में से हम डे को केवल कैलकुलेट के करना है केवल डे के के को आ, एक तरह से हम कह सकते हैं कि डे को सेपरेट करना है सपोज हम एक डेट लिखते हैं सपोज आज का जो डेट है मैं आज का ही डेट लिखता हूँ तो आज का क्या डेट हो गया कि तेईस तारीख हो चुका है और थ्री मंथ है और दो हजार इक्कीस है ठीक है तो यहाँ पे हमने ये आज का डेट लिख दिया यहाँ पे क्या है डे है यहाँ पे क्या है मंथ है एंड यहाँ पे क्या लिखा है मैंने ईयर लिखा है तो अगर कोई पूरा का पूरा डेट है इसमें से हमें कोई पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए जैसे कि डे चाहिए तो हम डे के लिए डे फॉर्मूला का यूज करेंगे अगर मंथ चाहिए तो मंथ के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मंथ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड अगर ईयर चाहिए तो हम ईयर फॉर्मूला का यूज करेंगे आई होप कि यह आपको समझ आ रहा होगा कि डे फॉर्मूला का आउटपुट किया जाएगा ट्वेंटी एंड मंथ का रिजल्ट कितना आ जाएगा थ्री एंड ईयर का डेट रिजल्ट कितना आ जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी वन आ जाएगा यानी कि दो हजार इक्कीस आ गया तो डे मंथ ईयर ये बहुत ही बेसिक से फार्मूला है जो किसी डेट में से डे मंथ ईयर को सेपरेट करना है तो हम इनमें से किसी भी का यूज कर सकते हैं इनका एक बहुत ही बेहतरीन एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जैसे कि किसी स्टूडेंट का सर्टिफिकेट जिस डेट में इशू हुआ है वो डेट है आपके पास और उसका हमें क्या निकालना है कि पासिंग ईयर क्या है तो जिस जिस ईयर में वो बंदा पास हुआ है जो भी उसका डेट हो तो उस डेट में से हमें केवल ईयर को निकालना है कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम ईयर फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा इन सबको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं लेकिन इससे पहले हम एक और फार्मूला देख लेते हैं एक और हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला है जो कि है वीक डे वीक डे एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि सप्ताह के दिन को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है यहाँ पर लिख रहा है दिस फंक्शन रिटर्न द इंटीजर फ्रॉम वन यानी कि ये क्या करता है कि नंबर के फॉर्म में आउटपुट देता है जैसे कि वन टू थ्री और ये ऐसे ही करते करते लास्ट सेवन तक देगा वन का मतलब क्या होता है तो वन का मतलब होता है इसका संडे ओके आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा यहां पे लिखा हुआ है कि वन फॉर संडे तो मैं यहां पे लिख देता हूं संडे इसी तरह से क्या हो जाएगा टू का मतलब हो गया मंडे तो ये ऐसे ही कैलकुलेट होते रहता है ऐसे ही ये आगे बढ़ते रहेगा एंड सेवन का मतलब क्या हो गया सर्टरडे हो गया ओके okay? तो ये जो फंक्शन है ये डे को इंडिकेट करता है बट डे को कैसे इंडिकेट करता है नंबर के फॉर्म में ये इंडिकेट करता है आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा अब इन सब का हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक्सेल हम ओपन करते हैं एम एम एस एक्सेल दो हज़ार उन्नीस हमने ओपन किया और इसको हम कर लेते हैं मैक्सिमाइज़ ओके तो मैक्सिमाइज मैंने कर लिया अब हम क्या करते हैं तो इसके अंदर हम कोई डेट लिखते हैं ठीक है अभी हमने आ, इस पेज को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ठीक है जूम करने के बाद अभी मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं नाउ इक्वल टू एन ओ डब्ल्यू नाउ और बैरिक और इसका सिंटेक्स बहुत ही इजी है सिंटेक्स में हमने इसके पैरेंथेसिस में कुछ नहीं लिखना नाउ फंक्शन अपने लिखा और पैरेंथेसिस ओपन करके क्लोज कर दिया अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि डेट एंड टाइम टोटल का टोटल यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है और यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि डेट जो लिखा हुआ है ये डेट लिखा हुआ है थ्री ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन यहाँ पे आज जो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो डेट है ये है बाईस बज रहा है और यहाँ पे ट्वेंटी टू दैट मीन्स कितना बज रहा है तो अभी आप समझ सकते हैं कि दस बज के पैंतीस मिनट हो रहा है रात के दस बज के पैंतीस मिनट पर यह वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है जब ये पब्लिश होगा तो ट्वेंटी में ये पब्लिश हो जाएगा

दस बज के पैंतीस मिनट अब हम इसमें कुछ रिकैलकुलेट करते हैं जैसे कि हमने कोई नंबर लिख लिया और देखिए जैसे हमने कुछ लिखा अभी बाईस बज के सैतीस मिनट हो गया है तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो डेट एंड टाइम है वहां भी बाईस मिनट हो चुका है तो ये यही बता रहा है कि जैसे जैसे हम अपने सीट में काम करते रहेंगे ये हमारा होते रहेगा इवन डेट भी कैलकुलेट होते रहेगा अब चूंकि ये वीडियो है तो कल वीडियो में भी यही डेट रहेगा लेकिन जब आप अपने एक्सेल में काम करेंगे तो उसमें कल को होके एम एस एक्सएल स्टार्ट करेंगे तो वहां पर डेट आपको चेंज हुआ हुआ मिलेगा तो ये आपको नाउ फॉर्मूला आप समझ में आ चुका है एक बार मैं फिर से ट्राई कर देता हूं नाउ में कुछ है नहीं नाव में क्या करना है तो बिल्कुल सिंपल सा है अब हमने करना है इक्वल टू एनओ डब्ल्यू ओपन करना है क्लोज करना है और एंटर करना है तो जो भी डेट हो रहा होगा जो भी टाइम हो रहा होगा हमारे सिस्टम का वो हमारे सिस्टम में MS Excel वाले सेल में एपियर हो जाएगा अब मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ अब मैं एक सिंपल सा डेट लिख लेता हूँ ओके अगर मान लीजिए कि नाउ फॉर्मूला ही हम लगाए और इसमें से अगर आपको डेट निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे केवल डेट तो हम यहाँ से चलेंगे इसको हम कर देते हैं डेट शॉर्ट डेट मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया अभी आप देखेंगे कि नाउ फार्मूला के मदद से ही लेकिन हमने डेट चेंज कर दिया यहाँ पे होता है फॉर्मेट होता है और हमने फॉर्मेट को कर दिया चेंज यहाँ पे जनरली आपको जनरल देखने को मिलता है बट यहाँ पे अभी क्या हो चुका है डेट हो चुका है अब हम इस डेट के ऊपर फार्मूला लगाना चाहते हैं और फॉर्मूला में क्या हम लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डे अलग कैलकुलेट करना चाहते हैं मंथ अलग कैलकुलेट करना चाहते हैं एंड ईयर यहाँ पे अलग कैलकुलेट करना चाहते हैं ओके डे मंथ ईयर कैलकुलेट करना चाहते हैं और किस

पैरेंथेसिस बंद किया और एंटर किया तो यहाँ पे हमें मंथ भी रिकैलकुलेट होके आ गया और हम यहाँ पे ईयर भी कैलकुलेट कर लेते हैं वाई ई ए आर ईयर ईयर कैलकुलेट कर लिया फिर से हमने डेट दे दिया तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही डेट है और उसमें से हमने 22 अलग डेट कैलकुलेट कर लिया मंथ यहाँ पे हमने अलग कैलकुलेट कर लिया और ईयर यहाँ पे हमने अलग कैलकुलेट कर लिया आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा डे मंथ ईयर कैसे हम रिकैलकुलेट करते हैं और साथ के साथ हम यहाँ पे वीक डे भी कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं यानी कि आज हमारा कौन सा दिन है इक्वल टू मैंने किया और यहाँ पे मैंने लिखा वीक डे ओके अप्लाई किया किया और मैंने इस को ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया अभी आप देख सकते हैं आज हमारा सप्ताह का दूसरा दिन है अब ये कैसे हो रहा है तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कैलेंडर मैंने ओपन किया है और कैलेंडर में अभी आप देखेंगे कि जो हमारा सप्ताह का दिन है यहाँ पे आप देख सकते हैं संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे ये एक सप्ताह में सात दिन होते हैं और ये सातों दिन को ये नंबर से रिप्रेजेंट करता है तो आज हमारा ट्वेंटी टू है यानी कि ट्वेंटी वन हमारा सप्ताह का पहला दिन है ट्वेंटी टू इस सप्ताह का दूसरा दिन है और इस सप्ताह का आखिरी दिन कौन सा है ट्वेंटी यानी कि सैटरडे आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा ये एक वीक का है और ये जो सप्ताह चल रहा है इस सप्ताह का आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन क्या है तो मंडे है ओके आज का दिन जो है वो मंडे है और जब ये वीडियो अपलोड होगा पब्लिश होगा तो वो कल के डेट में होगा तो हम यहाँ पे डेट भी चेंज कर सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा थ्री और थ्री मंथ है और एक्सेल में कभी भी डेट लिखा जाता है तो वो पहले हम मंथ ही लिखते हैं ओके अब हमने लिख दिया ट्वेंटी एंड हमने लिख दिया ट्वेंटी ओके अब मैंने एंटर बटन प्रेस किया अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 23 हो गया थ्री मंथ हो गया ईयर हो गया एंड यहाँ पे वीक डे भी हमारा कैलकुलेट होके आ चुका है थ्री मंथ आ चुका है अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि 15 अगस्त उन्नीस को कौन सा दिन था तो वो भी हम बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं हमने लिखा अगस्त मीन्स कि एट मंथ हो गया पंद्रह डेट हो गया एंड 1947 19197 को कौन सा डे था तो सप्ताह का छठा दिन था छठा दिन कहने का मतलब क्या हुआ शुक्रवार एक बार हम चेक कर लेते हैं कि मैं सही हूँ छठा दिन कौन सा है मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ पहला दिन संडे दूसरा दिन मंडे तीसरा दिन ट्यूजडे चौथा दिन वेडनेसडे और पांचवा दिन जो है वो थर्सडे एंड छठा दिन क्या था फ्राइडे था और फ्राइडे उस दिन था अभी मैं उसको भी चेक करके आपको वेरीफाई करा देता हूँ उन्नीस में हम चलते हैं और उन्नीस में हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सा डेट अवेलेबल है तो हम पीछे चलते हैं उन्नीस में ओके okay, तो अभी हम 1950 में आ चुके हैं और 1947 हमें जाना है एक बार और हम पीछे से और 1947 में आ गए और हमें जाना है अगस्त अगस्त भी हमने सेलेक्ट कर लिया एंड 8 अगस्त सॉरी 15 अगस्त 15 अगस्त यहाँ पे देखेंगे 15 अगस्त 1947 यहाँ पे अभी आप देख भी सकते हैं कि 15 तारीख है और अगस्त 1947 ऊपर दिख भी रहा है और दिन कौन सा है फ्राइडे है तो इस तरह से आप किसी भी डेट का डे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वीकडे फॉर्मूला के मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा तो नाउ फॉर्मूला सीखा डे मंथ ईयर एंड वीक डे कैलकुलेट करना सीखा एम एस एक्सएल का हर एक फंक्शन अपने आप में बहुत ही पावरफुल है क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं टेबल के ऊपर तो कब किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाइए कोई नहीं जानता इसलिए हर एक ऑप्शन हर एक फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है इसलिए अभी जो एमएसएक्सल के अंदर जो फार्मूला वाला सीरीज चल रहा है इसको जरूर से जरूर देखे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कहीं भी आपको जॉब दिलाने में बहुत ही हेल्प करेगा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इफ फॉर्मूला को पढ़ने वाले हैं इफ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है एम एस का लास्ट वीडियो में हमने डेट एंड टाइम फार्मूला को डिस्कस किया हुआ था जिसमें हमने बहुत सारे फार्मूला को डिस्कस किया था जो कि डेट एंड टाइम से रिलेटेड थे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लॉजिकल फंक्शन इफ फार्मूला को समझने वाले हैं इफ़ एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि क्या करता है कि जहां पे तर्क वितर्क की बात है जहां पे कंपेरिजन करने की बात है वहां पे यूज किया जाता है इसके नाम से यह स्पष्ट होता है, है लॉजिकल लॉजिकल का मतलब कि जहाँ लॉजिक लगाना हो जहाँ पे कोई कंडीशन लगाना हो वहाँ पे हम इफ़ फॉर्मूला का यूज करते हैं आज हम दो तो एग्जांपल के साथ यहाँ पे इफ़ फॉर्मूला को समझेंगे और साथ के साथ टेबल वर्क भी समझेंगे कि टेबल में कैसे काम किया जाता है और कैसे हम फार्मूला को यूज करते हैं यहाँ पे पहला टेबल आप देख सकते हैं जो कि लेफ्ट साइड में है यहाँ पे ये यह पूछ रहा है एलिजिबिलिटी ऑफ वोटर आईडी कार्ड यानी कि वोटर आईडी कार्ड बनाने की क्या क्राइटेरिया है क्या एलिजिबिलिटी है उसके एज लिमिट को हम आज यहाँ पे चेक करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इफ़ फॉर्मूला सेकेंड जो टेबल है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मार्क्सिटेक बना हुआ है स्टूडेंट का कुछ मार्क्सिट है नाम वही है मार्क्स अलग अलग है और इनके हिसाब से अब हमने रिजल्ट चेक करना है कि कौन पास है और कौन फेल है तो एक हम कंडीशन रखेंगे उस कंडीशन के बेस पे हम यहाँ पे हम हम कुछ कुछ चेकिंग करने करने वाले है, कुछ करने वाले हैं हैं इनके रिजल्ट को फाइंड आउट तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को बिना समय गवाए और यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं क्या यहाँ पे जितने भी पर्सन है इन सबका वोटर आई कार्ड बन सकता है तो सबसे पहली बात वोटर आई कार्ड बनाने की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन क्या है जिस पर्सन की एज 18 या 18 से अबव हो तो वो क्या है तो वो एलिजिबल है वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए तो हम कुछ यही कंडीशन रखेंगे और इफ का मतलब ही होता है यदि यदि एज 18 या 18 से ज्यादा है तो वो बंदा क्या है एलिजिबल है वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए तो जो मैंने बात बोला उसी बात को मैं यहां पे लिखता हूं कैसे लिखूंगा तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे मैंने फर्स्ट सेल में सेलेक्ट किया अब मैंने लिखा इक्वल टू और हम जानते हैं अभी तक हमने बहुत सारे फार्मूला के सेंटेक्स देख लिया है वहां पे हमने देखा है कि कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं तो हमने लिखा इक्वल टू देन फार्मूला नेम इफ इफ के बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पे ये यह हमसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट अब हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं क्या टेस्ट करेंगे क्या ये जो एज है ये ग्रेटर देन है या इक्वल है अठारह से आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम 18 क्यों लिख रहे हैं क्योंकि वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए कम से कम 18 का एज होना चाहिए तो 18 के बराबर हो या 18 से ज्यादा हो तो वो क्या है एलिजिबल है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक मैसेज डबल कोट्स के अंदर वाई ई यस ये एलिजिबल है यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि ये लिख रहा हो वैल्यू इज ट्रू अगर ये जो हमने लॉजिकल टेस्ट किया अगर ये ट्रू होता है तो यस yes. अगर ये फॉल्स होता है तो क्या लिखे नो no लिखे क्यों क्योंकि ये एलिजिबल नहीं है इनकेस हो सकता है कि, कि किसी का एज क्या है 18 से कम हो तो वो क्या हो तो 18 से अगर कम है तो वो एलिजिबल नहीं है तो नहीं है तो उसके जगह पर नो प्रिंट करेगा अगर है तो उसके जगह पर यस प्रिंट करेगा ओके okay, तो अब हम बटन एंटर बटन प्रेस करते हैं जैसे मैंने इंटर बटन प्रेस किया अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये यस आ चुका है यानी कि अब आप समझ चुके होंगे कि जो राम है राम एलिजिबल है और मैं इसी चीज को ड्रॉप डाउन कर देता हूँ इन सबको सिलेक्ट करके डाउन मैंने कर दिया और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो गीता है गीता का जो एज है वो फिफ्टीन है तो ये एलिजिबल नहीं है वोटर आई कार्ड बनाने के लिए प्रिया है तो प्रिया का भी एज सिक्सटीन है तो ये भी एलिजिबल नहीं है बाकी यहाँ पे जितने भी पर्सन है वो सभी क्या है एलिजिबल है बिकॉज इन सभी का जो एज है ये एटीन या एटीन से अब है ओके आई होप ये क्लियर हो चुका होगा अब हम दूसरे टेबल में आते हैं अब इसमें हम क्या करते हैं हम मार्कशीट को चेक करते हैं और मार्कशीट में हम ये बताएंगे कि क्या कोई बंदा पास है या फेल है अब कोई भी मैसेज दिखा सकते हैं मैसेज दिखाने के लिए कोई टेंशन नहीं है बस मेन लॉजिक होता है टेस्टिंग करना कि हम टेस्ट क्या कर रहे हैं और कैसे करेंगे तो कंडीशन क्या है ये हमें पता करना है तो सपोज मान लेते हैं कि कोई भी स्टूडेंट तभी, तभी पास हो सकता है जब उसका मार्क्स फिफ्टी परसेंट या फिफ्टी परसेंट से एब हो हम ये मान के चलते हैं कि वो सारे स्टूडेंट पास होंगे जो फिफ्टी परसेंट से अबव होंगे और जिनका भी मार्क्स 50% से कम होगा वो फेल होगा तो इसको हम कैसे चेक करेंगे तो इसको चेक करना बहुत ही आसान है सेम वही कांसेप्ट लगाएंगे सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल टू देन इफ इफ फॉर्मूला लगाने के बाद अब हम लॉजिकल टेस्ट करेंगे टेस्ट क्या करना है तो जो ये मार्क्स है क्या ये मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि ज्यादा है या बराबर है किसके 50 से अगर 50 से ज्यादा है तो वो बंदा क्या है पास है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पास अगर मार्क्स फिफ्टी परसेंट से कम है तो वो क्या है तो फेल है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फेल तो देखिए कितना सिंपल है और कुछ है नहीं इसमें बस हमने एक लॉजिकल टेस्ट करना है अगर टेस्ट ट्रू होता है तो क्या हो अगर टेस्ट फॉल्स है तो क्या हो इस टाइप से हम यहाँ पे लिख सकते हैं और मैंने एंटर बटन हिट किया यहाँ पे आप देख सकते हैं राम जो है ये पास हो चुका है और मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ डाउन फिल कर देता हूँ जो भी आप मन करे कर सकते हैं यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट सबका बनकर रेडी हो चुका है तो इस केस में हमारे पास तीन स्टूडेंट जो है वो फेल हो चुके हैं एक है सीता दूसरा है सुरेश एंड थर्ड नंबर पे है दीपक ये तीन जो स्टूडेंट्स है ये फेल हो चुके हैं क्यों क्योंकि इनका जो मार्क्स है ये दीपक का मार्क्स आया है ट्वेंटी फाइव सुरेश का मार्क्स है थर्टी फोर एंड सीता का मार्क्स है 45 यानी कि ये 50 से कम है इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है तो ये सभी फेल हो चुके हैं आई होप की आपको इफ पसंद आया होगा समझ आया होगा अगर ये समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें और इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें हम बहुत सारे काम को कर सकते हैं एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ होमवर्क आपके पास क्या है होमवर्क ये है कि हमने डेट लिखा है कहीं पे और इस डेट के अकॉर्डिंग हमने वीकडे निकाल लिया लास्ट क्लास में हमने डेट एंड टाइम फार्मूला को पढ़ा हुआ है डेट एंड टाइम फार्मूला में हमने वीकडे एक फॉर्मूला पढ़ा जो कि क्या बताता है कि सप्ताह के दिन को बताता है कि इस सप्ताह का कौन सा दिन है तो मैंने आज का आज का का डेट डेट लिखा है है 24 मार्च 2021 तो आज हमारा सप्ताह का चौथा दिन है और चौथा दिन क्या है दिन है है वेडनेसडे तो यहां पे ये ये जो वीक डे नेम है, आपको फॉर्मूला लगाना है ये फॉर्मूला इफ से लगाना है और वीक डे पे लगाना है ताकि जब भी हम कोई डेट चेंज करें यहाँ पे वीक डे नेम ऑटोमेटिक चेंज हो जाए अभी हम यहाँ पे कोई डेट चेंज करते हैं मैं आने वाले कल का डेट डाल देता हूँ ट्वेंटी और मैंने जैसे

मैंने एंटर बटन किया तो देखिए उस दिन भी फ्राइडे था इस तरह से आप अपने डेट ऑफ बर्थ का डे निकाल सकते हैं कि हमारा जो जन्मदिन था वो कौन सा दिन था एक्चुअली जन्मदिन की बात कर रहा जन्म डेट की बात नहीं कर रहा मैं तो दिन कौन सा था वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना डेट लिखिए वीक डे लगाइए वीक डे के अकॉर्डिंग आपको वीक डे नेम का फॉर्मूला लगाना है और वीक डे फॉर्मूला मैंने लगाया है इस फंक्शन से इसको आपको खुद से करना है जब ये सॉल्व हो जाए तो सॉल्व होने के बाद आप क्या करेंगे उन फॉर्मूला को आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट

इफ अब मैंने कहा इफ अगर फोर्टी फाइव ग्रेटर हो ट्वेंटी सिक्स से ठीक है तो क्या हो तो यहाँ पे आ जाए फोर्टी फाइव ओके अदरवाइज फोर्टी सिक्स देखिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है हमने चेक किया क्या कि से बड़ा है अगर तो 45 आ जाए अगर ना तो ट्वेंटी तो अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया फिफ्टी सिक्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फाइंड होके आ रहा है अभी मैंने लिख दिया वन हंड्रेड तो यहाँ पे वन हंड्रेड आ गया अभी हमारा ये दूसरा नंबर आ गया 120 तो यहाँ पे 120 जो भी इन दोनों में मैक्सिमम नंबर होगा ये नंबर हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा तो इस टाइप से आप बहुत सारे टास्क को कर सकते हैं एक तो टास्क ये रहा आपका वीकडे वाला और एक और टास्क मैं आपको दे रहा हूँ फाइंड ऑड इवेंट आपको ऑड इवेंट कैसे ढूंढना होगा अगर कोई नंबर है तो इस नंबर को हमें ऑड या इवेंट ये नंबर क्या है ये आपको ढूंढ के बताना है उसका हमें रिजल्ट शो करना है कि दिस नंबर इज ऑड और, और इवेंट हम पढ़ रहे हैं एमएस एक्सेल के अंदर लॉजिकल फंक्शन और आज इस लॉजिकल फंक्शन का हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं जिसमें हम समीफ फार्मूला को पढ़ेंगे पहले वीडियो में हमने इफ फॉर्मूला को पढ़ा और इफ फार्मूला में हमने जाना की कंडीशन कैसे लगाते हैं कोई कंडीशन वाला काम है तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे कैसे इसको यूज करेंगे हमने दो तीन एग्जाम्पल के साथ समझाया है और एक दो तो आपको होमवर्क भी दिया था आई होप कि आपने होमवर्क कर लिया होगा अगर नहीं किया है तो आज हम उसको एक लास्ट में उसको दिखाएंगे इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि उसके फॉर्मूला को आप समझ सके तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो समीप फार्मूला को है और समीप को हम समझते हैं सम और इफ यहाँ पे दो फॉर्मूला आपको देखने को मिलते हैं एक होता है सम एंड इफ इन दोनों फार्मूला को मिक्स करके समीप फार्मूला बनाया गया है और इसको आज हम कैसे यूज करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं तो हम यहाँ पे समझते हैं सम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है सम तो सम का मतलब होता है समेशन करना और इफ का मतलब क्या होता है इफ का मतलब होता है कंडीशन करना अब और इफ को मिक्स कर दिया गया तो क्या बन गया ठीक है? और ध्यान रखिएगा में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए ठीक है तो सम का मतलब हो गया कि एडिशन करना लेकिन विद द हेल्प ऑफ कंडीशन और ये जो टेबल है ये इंप्लॉय का टेबल है और इंप्लॉय के टेबल में इंप्लॉय का नेम पोस्ट आईडी और सैलरी रखा हुआ है अब इस पोस्ट में हम देखेंगे कि डॉक्टर है टीचर है डॉक्टर टीचर इंजीनियर ये सारे पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है तो इन पोस्ट को मैंने यहाँ पे एक छोटे से टेबल में एक और बना रखा है ताकि हमें कैलकुलेशन करना आसान हो सके अब हम यहाँ पे ये यह चाहते हैं कि डॉक्टर्स जितने भी डॉक्टर्स इस टेबल में हो उन सारे डॉक्टर्स की सैलरी यहाँ पे एडिशन होके आ जाए सपोज हमारा एक यहाँ पे डॉक्टर हो गया फिर हमारा यहाँ पे दूसरा डॉक्टर हो गया फिर यहाँ पे हमारा तीसरा डॉक्टर हो गया और चौथा डॉक्टर हो गया यानी कि हमारे टेबल में जितने डॉक्टर्स होंगे उन सारे डॉक्टरों का सैलरी जो है एक टाइम में सबका एडिशन होकर हमें मिल जाए यानी कि एडिशन तो हो रहा है बट फिल्टरिंग भी कर रहा है फिल्टरिंग का मतलब हुआ कि इसमें से कंडीशन के अकॉर्डिंग छटाई भी कर रहा है कि हमें किसका कैलकुलेशन करना है और किसका नहीं करना है आई होप कि यह बात आपको क्लियर हो चुका होगा समीप फार्मूला का क्या यूज़ है तो समीप का यूज़ यही है कि एडिशन करेगा बट फिल्टर करके तो चलिए हम यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं इसका सेंटेक्स आपको हम दिखाएंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू इक्वल टू करने के बाद हमने फॉर्मूला का नाम लिखा सम इफ़ ओके कर दिया और हमने यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक एक हमें गाइडलाइन करने के लिए इसका सेंटेक्स भी दिखा रहा है ये बहुत अच्छे फीचर्स है यहाँ पे यहाँ पे बात कर रहा है रेंज की तो मैं रेंज की बात करूंगा किस रेंज की बात करूंगा तो जिसके अकॉर्डिंग हमें फिल्टरिंग करना है जिसके अकॉर्डिंग हमें छटाई करना है तो सपोज मान लीजिए कि हमने क्या करना है कि ये रेंज दे देना है इसी में से तो हमें डॉक्टर टीचर या इंजीनियर को छटाई करना है ना तो हमने यहाँ पे रेंज दे दिया रेंज देने के बाद एक हमारा पोर्सन कंप्लीट हो गया तो इसके बाद हम देंगे कॉमा कॉमा से हमने सेपरेट किया कॉमा से सेपरेट करने के बाद अब दूसरा फील्ड कह रहा है क्राइटेरिया क्राइटेरिया क्या है यानी कि हम सम कर रहे हैं किसका सम कर रहे हैं इसको हमें बताना होगा तो या तो आप यहां पर डबल कोर्स के अंदर डॉक्टर लिख लो ठीक है या फिर यहाँ पे आप डॉक्टर वाले सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डॉक्टर दोनों तरीका से एक बार मैं बता देता हूँ लिख दिया और फिर मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया यानी कि हमारा रेंज भी हो गया क्राइटेरिया भी हो गया अगला जो है रेंज सम रेंज यानी कि उसका रेंज देना है जिसको जोड़ना है तो सैलरी को जोड़ना है तो फिर फाइनली हमने सैलरी को सिलेक्ट कर लिया एक बार और ध्यान से देखेंगे डॉक्टर्स की सैलरी को जोड़ना है तो डॉक्टर्स किस फील्ड में लिखा हुआ है तो पोस्ट वाले फील्ड में तो मैंने सबसे पहले पोस्ट वाला फील्ड दे दिया वो रेंज जिसमें चेक करना है क्या चेक करना है तो डॉक्टर्स को चेक करना है तो मैंने वो फील्ड दे दिया उसके बाद उसका सैलरी को जोड़ना है तो फिर हमने सैलरी वाले फील्ड को सिलेक्ट कर लिया आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इसका सारा सिंटेक्स अब मैं एंटर बटन प्रेस करता हूं तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे टोटल जुड़ चुका है और यहां पे जितने भी डॉक्टर्स की सैलरी है वो यहां पे आ चुका है एक बार हम रफ करके देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या इक्वल टू और हमारा मोहन जो है फर्स्ट ये डॉक्टर है इसको सैलरी को हम ऐड करते हैं प्लस फिर हम एक और ऐड करते हैं जो जिसका आईडी वन जीरो जीरो थ्री है राजेश इसकी भी सैलरी जोड़ लेते हैं क्योंकि ये भी एक डॉक्टर है फिर हमने किया डॉक्टर राजू इसको भी हम जोड़ लिए एंड एक और हमारे पास डॉक्टर है सचिन तो इनको भी हमने जोड़ लिया अब हमने एंटर बटन प्रेस किया तो अभी आप देख सकते हैं कि 78,000 यहां भी आया हुआ है और 78,000 यहां भी आ रहा है यानी कि बोथ आर इक्वल तो हमने जो काम किया है एक एक करके ढूंढ ढूंढ के दुन -दुन हमने यहां पर रफ में सिलेक्शन किया हुआ है रफ में कैलकुलेशन किया हुआ है लेकिन अब मान लीजिए कि एक का टेबल हो दस डेटा हो उनमें से छटाई करना हो तो ये फॉर्मूला आपको बेटर करेगा बेटर हेल्प करेगा समीप फार्मूला अब हम एक बार और टीचर के लिए यूज कर लेते हैं तो हम फटाफट कर लेते हैं अब आपको सिंटेक्स तो समझ आ गया है इक्वल टू सम If, अगर एक बार में समझ नहीं आता एक बार और ट्राई करेंगे देखेंगे सम इफ मैंने लिखा फिर ब्रैकेट से स्टार्ट किए फिर हमने रेंज देना होता है कि उस रेंज को जिसमें हमने सर्च करना है तो हमने क्या सर्च करना है तो टीचर को सर्च करना है टी ई ए सी एच ई आर टीचर ओके और फिर मैंने यहाँ कॉमा से सेपरेट किया और कॉमा से सेपरेट करने के बाद उस रेंज को देना है जिस रेंज को हमने एडिशन करना है समेशन करना है फिर ब्रैकेट्स क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए कि इन टीचर्स की सारी सैलरी आ चुका अब मैं इंजीनियर्स के लिए भी सेम कर लेता हूँ सेम प्रोसेस इक्वल टू सम या फिर आप इसको ड्रैग भी करेंगे तो ड्रैग करेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगा क्योंकि हमने डायरेक्ट इसी में डॉक्टर टीचर इंजीनियर फॉर्मूला में ही लिख दे रहे तो प्रॉब्लम करेगा तो यहाँ पे ड्रैग वाला सिस्टम काम नहीं करेगा हम उसको ड्रैग वाला सिस्टम भी करके आपको दिखाएंगे कि कैसे वो काम कर सकता है फिर हमने किया समीप समीप करने के बाद हमने आ, रेंज दिया रेंज हमारा पोस्ट आ चुका है फिर हमने कॉमर्स से सेपरेट किया फिर हमने इसी में डायरेक्ट लिख देते हैं इंजीनियर अब देखो एक बार हम डायरेक्ट ना करके हम क्या करते हैं कि सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे मेरा इंजीनियर लिखा हुआ है मैंने इंजीनियर वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया और फिर कॉमर्स से सेपरेट किया मैंने फिर हमने सैलरी को सिलेक्ट कर लिया अब आपको दोनों प्रोसेस पता चल गया है कि हम कोई सेल सिलेक्ट करके भी काम कर सकते हैं और मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी इंजीनियर्स हैं उन सारे इंजीनियर्स की सैलरी यहाँ पे एडिशन होके आ चुका है आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा अब मैं एक बार और इंजीनियर्स को रफ करके देख लेता हूँ मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन दिया इंजीनियर्स प्लस फिर एक और इंजीनियर यहाँ पे यानी कि टोटल हमारे पास दो ही इंजीनियर है हमने एंटर बटन प्रेस किया अभी आप देख सकते हैं कि दोनों का दोनों वैल्यू सेम सेम आ रहा है ओके तो ये हमारा रफ भी कैलकुलेशन हो गया मतलब कि कि हमारा जो काम है वो सही हो गया आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा बहुत ही इजी समझ में आ रहा होगा एक और तरीका है बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है उसको भी यूज किया जाता है लिस्ट लिस्ट बना के लिस्ट कैसे बनाएंगे तो चलिए हम आपको एक लिस्ट बनाकर दिखाते हैं तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं और फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद हम इस पर एक लिस्ट तैयार करेंगे और लिस्ट तैयार करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डेटा टाइप के पास ओके आप डेटा टाइप में जाएंगे डेटा टाइप में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा डेटा वैलिडेशन ऑप्शन आपके पास जो भी एक्सेल का वर्जन होगा आप उसके हिसाब से ढूंढ लीजिएगा डेटा टाइप में कहीं ना कहीं मिल जाएगा डेटा वैलिडेशन। तो हमने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया तो डेटा वैलिडेशन पे हमने जैसे ही क्लिक किया एक विंडो हमारे सामने एपियोर हुआ है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक विंडो यहाँ पे एपियर हुआ है ये हमसे क्या पूछ रहा है तो इसको विंडो को हम समझते हैं यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हमें जो वैलिडेशन लगाना है वो किस पे लगाना है तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एनी वैल्यू बाई डिफॉल्ट होता है बट हमने क्या बनाना है लिस्ट बनाना है लिस्ट हमने सेलेक्ट किया उसके बाद है सोर्स किसका लिस्ट बनाना है तो लिस्ट हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा तो हमने यहाँ पे डॉक्टर टीचर इंजीनियर इनका लिस्ट हम तैयार कर लेते हैं और ओके कर देते हैं ओके okay, तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट बन चुका है लिस्ट कैसे बना आपको देखना है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सेल है इस सेल के साथ एक ड्रॉप डाउन मेनू बॉक्स लगा हुआ है इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे डॉक्टर टीचर इंजीनियर का लिस्ट बना हुआ है ओके okay, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमने एक लिस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं सपोज हमने डॉक्टर ही ले लिया अब हम क्या करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू और थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे ओके okay, तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज को बढ़ा दिया 20 कर दिया और ओके okay, अब हमने लिखा इक्वल टू एस यू एम सम इफ समीप में हमेशा ध्यान रखिएगा कोई स्पेस नहीं आना चाहिए समीप के बीच में कोई स्पेस नहीं आना चाहिए और फिर हमने पैरेंथेसिस ओपन किया रेंज हमने देना है हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया रेंज सिलेक्ट करने के बाद हमने कॉमा दिया कॉमा देने के बाद हमने किसको जोड़ना है तो डॉक्टर को जोड़ना है इस सेल में जो भी लिखेंगे उसको ये जोड़ देगा तो अभी तो फिलहाल डॉक्टर है तो डॉक्टर आ गया फिर कॉमा दिए एंड सैलरी भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया यहां पे आप देख सकते हैं ऊपर का भी डॉक्टर यहाँ का भी डॉक्टर दोनों का सैलरी सेम है लेकिन लिस्ट बनाने का ये बेनिफिट्स है कि यहाँ पे हम जैसे ही टीचर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक टीचर्स की सैलरी आ जाएगा और इंजीनियर सेलेक्ट करेंगे तो इंजीनियर का सैलरी आ जाएगा तो ये बहुत ही ईजी है एक बार में हम जो भी डेटा सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वैल्यू है वो चेंज होते रहेगा आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प किया होगा बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा उम्मीद है अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल पे एम एस वर्ड पावर पॉइंट एम एस एक्सेल इन सभी से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स रखे हुए हैं आप हमारे इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर सबका सेपरेट वीडियो लेक्चर रखा हुआ है आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं इवन हम यहाँ पे कंपटीशन की भी तैयारी कराते हैं हमारे इसी चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देखेंगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज रखे हुए हैं आपका प्रैक्टिस भी होगा अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सपोज ओ लेवल ए लेवल तो उनका भी आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने में एंड जॉब एक्सेस करने में समीप फॉर्मूला में हमने पढ़ा था कि अगर कोई कोई टेबल है और इसमें से हमें कोई को फिल्टर करके उसके उसका जो सैलरी है उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको एडिशन करना होगा तो हम कैसे करेंगे तो इसको हमने समीफ फॉर्मूला के मदद से किया तो आज हम इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो टॉपिक है वो है काउंट इफ काउंट इफ आज हम करेंगे काउंटिंग अब काउंटिंग करने के लिए हम काउंटिंग फार्मूला का यूज करेंगे और काउंट फार्मूला भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है काउंट में हम काउंटिंग करते हैं सेल को काउंटिंग करते हैं इवन काउंट के साथ साथ हमने काउंट काउंट ब्लैंक इन तीन फार्मूला को हमने पढ़ा हुआ है लेकिन आज हमने काउंट इफ करना है काउंटिंग करना है विथ कंडीशन तो हम यहाँ पे कुछ पोस्ट लिखे हैं और पोस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं और हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल एम्प्लॉय मैं लिख देता हूँ ई मैंने शॉर्ट में लिख दिया अब हमने यहाँ पे इन सारे फार्मूला को डिलीट कर देता हूँ और आज का जो फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ वो होगा काउंटिंग अब मैं यहाँ पे ये यह काउंटिंग करना चाहता हूँ कि जो हमारे पास डेटा है इनमें डॉक्टर कितने हैं टीचर कितने हैं एंड इंजीनियर कितने हैं तो चलिए आज का हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बहुत ही सिंपल इसका सिंटेक्स है और इसको आप ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाला हूँ मैंने सबसे पहले लिखा इक्वल टू एंड काउंट If, okay, मैंने काउंटिंग फॉर्मूला लगाया और फिर हमने पैरेंथेसिस को ओपन किया देन हमने उस रेंज को सिलेक्ट कर लिया जिस रेंज में हमने काउंटिंग करना है उस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हमें किस को काउंट करना है वो हमें बताना होता है जैसे कि मैंने लिख दिया डॉक्टर ओके, okay, ओके? होने चाहिए। अगर एक भी 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 आगे पीछे हो गया, गलत हो गया, गया, गलत तो तो वो counting नहीं करेगा, okay? तो हमने हमने कर दिया, range भी दे दिया, दे ब्रैकेट बंद किया और एंटर बटन प्रेस किया तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल टेबल में कितने डॉक्टर है फोर डॉक्टर है ये हो गया फर्स्ट डॉक्टर ये हो गया सेकेंड डॉक्टर थर्ड डॉक्टर एंड फोर्थ डॉक्टर अभी मैं इन चारों डॉक्टर को मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देता हूं और यहां पे अभी आप समझ सकते हैं कि ये हमने फोर डॉक्टर को कैलकुलेट कर लिया अब मैं टीचर को काउंट करना चाहूँ कि हमारे पास टीचर कितने तो मैंने इक्वल टू लगाया फिर से हमने काउंट इफ इफॉर्मूला को यूज किया देन हमने पैरेंथसिस ओपन किया रेंज दिया रेंज देने के बाद हमने क्राइटेरिया सेट किया कि हमने किसको काउंट करना है टीचर को तो मैंने टीचर लिख दिया टीचर ठीक है टीचर लिखने के बाद हमने आ, ब्रैकेट्स बंद किए और एंटर प्रेस बटन प्रेस किए तो यहाँ पे हमने टोटल टीचर कैलकुलेट होके आ गए मैं इन टीचर्स को भी हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कुछ डिफरेंट कलर से इंडिकेट करा देते हैं ओके तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास टीचर्स के कलर हैं ओके एक बार हम इंजीनियर को भी करते हैं इक्वल टू काउंट इफ ओके अब हम इस बार क्या करते हैं कि इस बार हम सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं बार बार हमने सिलेक्शन करने की जो जरूरत आ रहा है उसको हम ना करके हम डायरेक्ट सेल को सिलेक्ट कर लेंगे बटन तो कि करना, करना सेल प्रेस किया तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इंजीनियर्स को भी कैलकुलेट कर लिया इंजीनियर्स को थो, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं और मैंने इंजीनियर्स वाले सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने कलर हाईलाइट कर दिया अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने काम किया जो काउंटिंग किया वो बिल्कुल सही काउंटिंग हुआ है ओके यानी कि फोर हमारे पास डॉक्टर है जो कि रेड कलर से मैंने इंडिकेट किया फिर टीचर्स टू कर, टू है जो कि मैंने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया एंड इंजीनियर हमारे पास कितने हैं तो ये भी दो है जो कि मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया ओके अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस तरीके से भी देख लेते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना रखा है लिस्ट कैसे बनाते हैं अगर ये आपको नहीं आता है तो हमारे इस प्रीवियस वीडियो को देखे जिसमें हमने समीप बताया समीप में मैंने लिस्ट बनाना सिखाया और मैं इस लिस्ट के ऊपर काउंटिव फॉर्मूला को यूज करने वाला हूँ काउंट इफ रेंज हमने दे दिया उसके बाद कॉमा करने के बाद इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और इस सेल में जो भी वैल्यू होगा उसको करेगा काउंट ओके okay, तभी टीचर टीचर है 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 तो टीचर के अभी अभी वैल्यू ऊपर से भी आप मैनेज कर सकते देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे इंजीनियर करूँ तो इंजीनियर तो ऑलरेडी टू है ही हमने यहाँ पर डॉक्टर किया तो डॉक्टर यहाँ पे फोर हो चुका है आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका है एक और मैं क्या करता हूँ कि डॉक्टर को टीचर में कन्वर्ट कर देता हूँ okay? तो जैसे मैंने डॉक्टर को टीचर में कन्वर्ट अभी आप देख सकते हैं डॉक्टर हमारे पास थ्री हो गए क्योंकि फोर था एक डॉक्टर कम हो गया तो ये थ्री हो गया टीचर की अगर मैं बात करूं तो टीचर भी हमारे पास थ्री हो गए एंड इंजीनियर इंजीनियर टू के टू रह गया ओके आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे आइए एक और हम बेहतरीन टेबल देखते हैं एक और वर्क देखते हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि कि एक अटेंडेंस अटेंडेंस हुआ है है इस सीट में हम ये काउंट करना चाहते हैं स्टूडेंट टोटल कितने दिन प्रेजेंट और कितने दिन अपसेंट है तो इसको भी हम काउंटिंग फॉर्मूला के मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इसको मैं थोड़ा जूम कर देता ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके अभी मैं यहाँ पे प्रेजेंटेंसी काउंट करने वाला हूँ तो पी फोर प्रेजेंटेंसी तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट काउंट करना इक्वल टू मैंने लिखा काउंट इफ ओके काउंटिंग फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने रेंज देना है तो रेंज हमने क्या किया तो ये हमने एक वीक का बना रखा है तो हमने एक वीक का रेंज दे दिया फिर कॉमा किसको काउंट करना है तो पी को काउंट करना है तो मैंने पी क्राइटेरिया में सेट करके को हमने कर दिया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं को अभी मैंने बटन प्रेस किया। तो ये जो राम है टोटल तो फाइव दिन है इक्वल टू सी ओ यू एन टी काउंट एफ फिर से हम रेंज दे देंगे इन रेंज को मैंने सेलेक्ट किया देन हमने कॉमा दिया और फिर ए फोर अपसेंट ओके तो मैंने ए लिख दिया और फिर हमने पेरेंथेसिस को क्लोज किया एंटर किया तो वन दिन एबसेंट हो गया टोटल कितने दिन हो गए फाइव प्लस वन सिक्स डेज और वन डेज जो है वो हॉलीडे है तो ये टोटल हमारे पास सेवन डेज कंप्लीट हो जाते हैं इसे फॉर्मूला को मैं आगे ड्रैग कर देता हूँ फिल कर देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल हमारा कैलकुलेट हो चुका है अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास फोर्थ नंबर के स्टूडेंट है जो कि गीता है जो कि वो टोटल आ, टोटल डेज प्रेजेंट है यानी कि six days present है, one zero days absent है। तो इस तरीके से हम county formula का मदद से हम हम का मदद बहुत सारे को कर सकते हैं जैसे कि हमने एक attendance sheet भी count करके दिखाया, attendance sheet को मैंने सॉल्व किया अब यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगा होमवर्क ये रहेगा कि ये जो मैंने अटेंडेंस सीट बनाया वो वन वीक का है आपको क्या करना है कि वन मंथ का बनाना है आप कोई भी मंथ को सिलेक्ट कीजिए और मंथ को एक मंथ का पूरे के पूरे डेट लिख दीजिए डेट लिखने के बाद आप संडे मंडे लिख के वीक लिख के अच्छे से एक टेबल बनाए जैसे कि यहाँ पर टेबल बना हुआ है और फिर प्रेजेंटेंसी एंड एंडजेंटी कैलकुलेट करें उम्मीद है कि आप अच्छा कैलकुलेट करेंगे अगर कोई भी दिक्कत और कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है वी लुकअप जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फॉर्मूला है जिसका नाम है वी लुकअप वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप यानी कि कोई टेबल हमारा वर्टिकली बना हुआ है अब इसमें हमने किसी पार्टिकुलर डेटा को देखना है बस एक डेटा को देखना है सारे टेबल को नहीं देखना तो उसके लिए हम वी लुकअप का यूज करेंगे अगर टेबल हमारा हॉरिजेंटली है उसमें हमें किसी एक पार्टिकुलर डेटा को देखना होता है तो उसके लिए हम एच लुकअप का यूज करते हैं चलिए हम स्टार्ट करते हैं वी लुकअप एंड एच लुकअप को करते कैसे हैं वैसे मैं बता दूं कि ये हर एग्जाम में पूछा ही जाता है और ये हर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा देखने में सुनने में थोड़ा सा अटपटा होता है और इसका यूज बहुत ही सिंपल है इसको स्टेप जो है वो बहुत ही ईजी स्टेप है आप इन वीडियो को एंड तक जरूर देखिए हमने तो बहुत ही ईजी स्टेप में इसको समझाएंगे आपको और ये बात आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा जैसे हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे इस सेल में कोई इंप्लॉई आईडी डी लिखे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उस बंदे का जो भी सैलरी होगा वो इस सैलरी वाले कॉलम में डिस्प्ले हो जाए बस हमें यही डेटा चाहिए बाकी ये सारे डेटा हमें नहीं चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं तो चलिए हम यहीं पे इसको अप्लाई करते हैं हमने इस सेल को सिलेक्ट किया और सबसे पहले हम यहाँ पे आई लिखेंगे अब आई हमारा वन हो सकता है वन हो सकता है एम्प्लॉई आई कुछ भी हो सकता है तो हम ऐसा कर लें कि यहाँ पे हम लिस्ट भी तो बना सकते हैं तो चलिए हम लिस्ट बनाते हैं वैसे हमने लिस्ट बनाना बताया है वैसे हम एक बार फिर आपको समझा देते हैं लिस्ट कैसे बनेगा डेटा टाइप में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हमें यहाँ से लिस्ट ऑप्शन को चूज करना होता है और लिस्ट में हमें देना होता है सोर्स तो सोर्स हमारे पास क्या है तो सोर्स हमारे पास लिस्ट देना है तो हमने इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया ओके okay, लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब हम करेंगे ओके और जैसे हमने ओके बटन प्रेस किया अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये सारे इंप्लॉय का लिस्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है हम यहाँ पे एक चूज कर लेते हैं वन जीरो वन और इसके फॉन साइज को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं और इसको सेंटर कर देते हैं ओके okay, तो हमने यहाँ पे इंप्लॉय आई और ये कर लिया और यही सेम इफेक्ट हम यहां से फॉर्मेट प्रेंटर करके यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं ठीक है अब हम यहाँ पे सैलरी वाले कॉलम में विल को फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं ध्यान से देखिएगा बहुत ही इजी स्टेप थोड़ा सा ध्यान हटेगा फिर समस्या आने लगेगा तो सबसे पहले हमने लिखा इक्वल टू इक्वल टू करने के बाद फॉर्मूला का नाम जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं हमने फॉर्मूला का नाम दे दिया वी लुकअप ओके वी लुकअप करने के बाद अभी यहाँ पे देखेंगे कि कुछ हमें सजेशन दे रहा है कुछ हमें गाइडलाइन करने के लिए इन दिया हुआ है तो इन सिंटेक्स में लिखा हुआ है वी लुकअप वैल्यू हमें किस कौन से वैल्यू पे वी लुकअप को फाइंड आउट करना है तो हमारा जो वैल्यू होगा हम इम्प्लॉई आईडी के अकॉर्डिंग तो वी लुकअप देखेंगे जैसा आई आईडी होगा उसी के कोरिस्पॉन्डिंग उसका सैलरी होना चाहिए ठीक है तो हमने ये इम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लिया फिर हमने कॉमा दिया अब बात करा है टेबल एरे अब हमारे पास टेबल एरे क्या है तो हमारा जो टेबल है हम उन टेबल को पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिए ओके अब बात कर रहा है कॉलम इंडेक्स ठीक है अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है तो हमारा जो सैलरी है वो कितने नंबर कॉलम पे आ रहा है फर्स्ट नंबर पे इम्प्लॉई है एम्प्लॉई आईडी है सेकंड नंबर पे नेम है थर्ड नंबर कॉलम जो है इसको हम पोस्ट कहेंगे और चौथे नंबर कॉलम को हम क्या कहेंगे सैलरी तो हमें चौथे नंबर कॉलम को दिखाना है तो हमने चौथा नंबर कॉलम दे दिया एंड इसके बाद आता है रेंज लुकअप जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में है और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये ऑप्शनल है अभी हमने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन प्रेस किया तो अभी आप देख सकते हैं इम्प्लॉ आई डी वन है और उसके corresponding इसकी सैलरी है है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। हैं। चलिए अब हम किसी other number को select हम को करके देखते जैसे टारगेट करते हैं इम्प्लॉडी जीरो सिक्स को हम करते हैं ये संदीप है इसका टीचर है और इसकी जो सैलरी है पचास हजार है इसकी सैलरी ठीक है तो इसको हम टारगेट कैसे करेंगे तो हमने इम्प्लॉय आई डी में गए और यहाँ से हमने क्या सिलेक्ट करना है तो उस सैलरी को सिलेक्ट करना है जिसको उस इम्प्लॉ आई को सिलेक्ट करना है जिसके सैलरी को हम देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वन डबल जीरो सिक्स को और जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया यहाँ पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका सैलरी आ गया आप वन जीरो जीरो थ्री को एक बार हम चेक कर लेते हैं हमने 1003 को देखा तो यहाँ पे इसकी सैलरी 35000 आ चुका है तो अब आपको वी लुकअप बहुत ही इजी स्टेप में समझ आ चुका है अगर नहीं समझ में आया तो हम एक और यहाँ पे उदाहरण देखते हैं एक और टेबल को हम देखते हैं यहाँ पे ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट का एक मार्कशीट है और मार्कशीट में हमारे पास रोल नंबर एंड टोटल है हम ये चाहते हैं कि इसमें केवल रोल नंबर और टोटल दिखाई दे बाकी सब्जेक्ट में कितने कितना मार्क्स आया उससे हमें कोई मतलब नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रोल नंबर हम लिख लेते हैं सपोज हमने लिख लिया वन और वन लिखने के बाद अब टोटल निकालेंगे वन तो हमने रोल नंबर हमने वन लिख दिया अब हम यहाँ पे टोटल निकालेंगे और टोटल निकालने के लिए हम क्या करें तो टोटल निकालने के लिए हमें फिर से वी लुकअप का ही यूज करना पड़ेगा क्यों क्योंकि टेबल जो है हमारा वो वर्टिकली है आई रिपीट ये टेबल जो है हमारा वर्टिकली है इसलिए हम हमेशा वी लुकअप का ही यूज करेंगे तो हमने यहाँ पे यूज किया वी लुकअप फिर हमने आ, रेंज लुकअप वैल्यू दिया कि हमें किसके कोरस्पॉन्डिंग डेटा को फाइंड आउट करना है तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग फिर हमारा टेबल क्या है तो हम अपने टेबल को सिलेक्ट कर लिए कॉमा अब हमें कॉलम नंबर बताना है तो कॉलम नंबर हमें देना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स हमने देना है तो सिक्स हमने पास कर दिया ब्रैकेट बंद किया एंटर बटन किया तो अभी आप देख सकते हैं रोल नंबर जैसे वन है तो टोटल इसका दो सौ दस है रोल नंबर अगर हमने फोर लिख दिया तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इसका टोटल जो मार्क्स है वो कितना आ चुका है तो इसका टोटल मार्क्स दो आ चुका है तो अभी आप तो कहोगे कि टेबल भी तो साथ में दिख ही रहा है फिर हमें इसको करने की क्या जरूरत है तो हम टेबल को हाइड भी कर सकते हैं हमने टेबल को सिलेक्ट किया फॉर्मेट में गया फॉर्मेट में जाने के बाद हम यहाँ से हाइड एंड हाइड में जाएंगे और हाइड कॉलम कर देंगे हमारा टेबल अब हाइड हो चुका है जैसे हम यहाँ पे कोई नंबर पास करेंगे जैसे कि हमने नंबर पास किया फाइव तो यहाँ पे फाइव के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट आ गया अगर यहाँ पे हमने पास किया थ्री थ्री का यहाँ पे टोटल मार्क्स आ गए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आपका टेबल किसी दूसरे सीट में है और आप वी लुकअप कहीं दूसरे जगह पर दिखा रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं देखिए एक्चुअली होता ये है ना वी लुकअप का यूज़ कि हम किसी पर्सन को डेटा दिखा रहे हैं लेकिन हमें उसको सारा डेटा नहीं दिखाना है कुछ ज़रूरत की ही डेटा दिखाना है तो उसके लिए हम इन वी लुकअप का यूज़ करते हैं आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा अब लगे हाथ हम एच लुकअप को भी समझ लेते हैं क्योंकि कंसेप्ट समझ में आ चुका है बस हमें टेबल को चेंज करना होता है तो हमारा ये जो ऊपर वाला टेबल है हम इसी को कर लेते हैं हमने इस टेबल को कर लिया कॉपी अब इस टेबल को हम रोटेट कैसे करेंगे तो चलिए देखिए कितना बेहतरीन तरीका हम अप्लाई कर रहे हैं टेबल को रोटेट करने के लिए अभी हमारा टेबल कॉपी किया हुआ है हमने कोई एक सेल सेलेक्ट कर लिया और सेल सिलेक्ट करने के बाद हम गए होम टैब में होम टैब में जाएंगे और जो हॉरिजेंटल टेबल है वो वर्टिकल हो जाएगा ओके तो अभी मैं ओके यहाँ से करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे यह सारा टेबल हमारा बन चुका है अब एक बार मैं थोड़ा सा इसको रो फिट कर लेता हूँ रो फिट हाइट कर लिया रो फिट कॉलोम कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे ये यह हमारा रो फिट हो चुका है और हाइट भी फिट हो चुका है ये हमारा टेबल बन चुका है और टेबल हमारा हॉरिजेंटली बन चुका अभी यह है अभी इम्प्लोई टेबल है तो इसको हम थोड़ा सीधा लिख लेते हैं इस तरीके से ओके तो ये हमने टेबल बना लिया लेकिन देखिए टेबल सारे वही है बस यहाँ पे क्या हो रखा है तो ये हॉरिजेंटली हो चुका है जबकि वर्टिकली था अब यहाँ पे ये यह क्या हो चुका है हॉरिजेंटली हो, हो चुका है ओके तो अभी मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ एच लुकअप ओके okay? अ तो मैंने यहाँ पर टाइटल चेंज कर देता हूँ यहाँ पे मैंने लिख दिया एच लुकअप अब एच लुकअप में क्या है कि अब ये टेबल तो चूंकि हॉरिजेंटली हो चुका है अब हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉई आईडी है आईडी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है पोस्ट को देखना है तो हमने यहाँ पे पोस्ट लिख दिया ओके okay? और ठीक है तो हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा फॉर्मेट पेंटर कर लेते हैं और ताकि हमारा जो डेटा है वो सेम फॉर्मेटिंग में आए तो अब देखिए हम यहाँ पे जैसे ही आई लिखे जैसे वन जीरो जीरो वन मैन लिखू तो यहाँ पे उसका पोस्ट ऑटोमेटिक आ जाए यानी कि जो इसका रोल नंबर जिसका इंप्लॉई आई डी वन जीरो जीरो वन है उसका पोस्ट क्या है डॉक्टर है तो वो डॉक्टर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाए तो इस बार हम एच लुकअप यूज कर रहे हैं क्योंकि टेबल हमारा हॉर्जेंटली है तो हमने लिखा एच लुकअप एच लुकअप करने के बाद फिर से हमें लुकअप वैल्यू देना है तो हमने लुकअप वैल्यू दे दिया कॉमा दिया टेबल को हमने सेलेक्ट किया टेबल सेलेक्ट करने के बाद अब बात करता है इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स वैल्यू अब यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है रो इंडेक्स वैल्यू जबकि वी लुकअप में लिख रहा था कॉलम इंडेक्स नंबर और पर लिख रहा है रो इंडेक्स नंबर तो अब हमने रो को प्रिंट करना है तो रो हमारा पोस्ट है तो पोस्ट हमारा थर्ड नंबर पे आ रहा है तो हम यहाँ पे थ्री पास कर देंगे और हम ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो जिसका इंप्लॉय आई डी है वो क्या है तो डॉक्टर है उसकी सैलरी को भी देखना चाहते तो भी हम सैलरी भी देख सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम एक एक बार में एक ही देखेंगे ऐसा नहीं है हम यहाँ पे एक बार में दो दो अप्लाई भी कर सकते हैं सैलरी मैंने लिख दिया और यहाँ पे थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग सेट कर देते हैं ओके तो अभी हमने फिर से क्या किया इक्वल टू किया एच लुकअप हमने अप्लाई किया और सॉरी हमने एच लुकअप अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद हमने फिर से इम्प्लॉ आईडी दे दिया और टेबल रेंज हमने फिर से दे दिया टेबल रेंज हमारा हो गया और कॉलम हमारा इस सैलरी फोर्थ नंबर पे आ रहा है एम्प्लॉ आई हमारा वन नंबर रो है नेम हमारा सेकेंड नंबर रो है पोस्ट हमारा थर्ड नंबर रो है एंड सैलरी हमारा फोर्थ नंबर रो है तो हमने फोर पास कर दिया फिर से ब्रैकेट बंद किया और एंटर बटन प्रेस किया अभी आप देख सकते हैं कि जिसका एम्प्लॉय आई डी वन है वो डॉक्टर है और उसकी सैलरी है सेम टू सेम यहाँ पे भी दिख रहा है अभी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं अभी हमने यहाँ पे थ्री पास कर दिया एंटर बटन हमने प्रेस किया तो जिसकी आईडी थ्री है वो भी डॉक्टर है उसकी सैलरी पैंतीस हजार है जिसकी आई डी टू है उसको हम एक बार चेक करते हैं जिसको आई डी टू है हमने टू बटन प्रेस किया अभी आप देख सकते हैं आई डी है वो पोस्ट में टीचर है और उसकी जो सैलरी है वो इतना है तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वन जीरो जीरो टू है टीचर है और इसकी जो सैलरी है वो कितना है ट्वेंटी थाउजेंड है तो यहाँ पे हमने देखा कि एक बार हम इंप्लॉय आई डी चेंज कर रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे सारा का सारा डिटेल चेंज हो रहा है और हमने बताया कि यहाँ पे हम लिस्ट भी बना सकते हैं एक बार मैं इन टेबल को भी हाइड करके आपको दिखा देता हूं मैंने इन टेबल को सिलेक्ट किया फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे हो चुका है और इंजीनियर की सैलरी आ चुका है यहाँ पे बस हमें जितनी जरूरत है हम केवल उतने ही डेटा को दिखा सकते हैं ये भी हमारा इंजीनियर ही है एट हमने किया यहाँ पर देखिए डॉक्टर आ चुका है तो जैसे जैसे इंप्लॉई आईडी चेंज हो रहा है वैसे वैसे पोस्ट एंड उसके

राउंड राउंड अप राउंड डाउन एंड एम राउंड यहां पे आज हम राउंड फंक्शन के चार फॉर्मूला को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं सबसे पहले हम इसके बेसिक कुछ बातें को समझ लेते हैं कि ये राउंड फॉर्मूला किया जाता है राउंड का मतलब होता है राउंड फिगर करना राउंड ऑफ करना जैसे कि कहीं कहीं प्राइस होता होता है कहीं होता है हिसाब और बिल बनता है तो बिल जनरेट होता है तो बिल जनरेट होने के बाद पॉइंट्स में दशमलव में कुछ वैल्यू आता है तो हम वो वैल्यू को राउंड फिगर में करना चाहते हैं तो उन टाइम पे हम इन फंक्शन का यूज करते हैं या फिर कोई बुक या किसी प्रोडक्ट का प्राइस हो गया तो वहां पे भी हम पॉइंट्स में कोई वैल्यू पे नहीं करना चाहते हम उसको या तो कम या तो ज्यादा करके एक राउंड फिगर में राउंड ऑफ में करके हम उसको पे करना ज्यादा प्रेफर करते हैं राउंड ऑफ करने का एक बहुत ही बेसिक सा रूल है जो आपको ऑलरेडी पता है या फिर नहीं पता तो चलिए हम आपको बता देते हैं अगर डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर है अगर वो फाइव या फाइव से ग्रेटर है

ओके okay. तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे जैसे मैंने राउंड फंक्शन लिखा तो यहाँ पे आपको देखने को मिला राउंड राउंड डाउन राउंड अप एंड राउंड एम राउंड यहाँ पे चारों फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं हम बारी बारी से सभी को ट्राई करेंगे तो अभी हमने राउंड किया राउंड करने के बाद हमने यहाँ पे पैरेंसिस ऑन किया अब हमने क्या देना है तो इसका सिंटेक्स को अगर आप देखेंगे तो सिंटेक्स में बता रहे राउंड नंबर नंबर के बाद है नंबर डिजिट्स तो पहले तो हम नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे हमने नंबर सिलेक्ट किया यहाँ पे F6 आ गया उसके बाद हमने कॉमा दिया कॉमा देने के बाद अब हमारा पे ये वाला सेकेंड वाला पार्ट हाईलाइट हो चुका है जो की नंबर ऑफ डिजिट पूछ रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद आपको कितने अंक रखने हैं वन अंक रखने वन डिजिट रखने, रखने तो वन पास कर दीजिए टू डिजिट रखने तो टू डिजिट थ्री डिजिट थ्री आपको जितना डेसिमल के बाद पॉइंट के वैल्यू रखने हैं तो वो आप यहाँ पे इजिली रख सकते हैं ओके तो चलिए अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर हमने अभी हमारा नंबर को देखे तो अभी हमारे नंबर में दशमलव के बाद टू पॉइंट है तो इसको हम एक कम करके देखते हैं हमने एक कम किया क्लोज किया और हमने एंटर तो अभी आप देखेंगे कि यहां पे है तो हमने अभी बताया कि जो फाइव से ग्रेटर होता है तो उसको अगले उसको लेफ्ट साइड वाले नंबर को एक अंक बढ़ा दिया जाता है जैसे कि यहाँ पे जो एट है सेवन एट है तो एट यहाँ पे फाइव से ग्रेटर है तो सेवन को क्या किया वन पॉइंट बढ़ा दिया तो वही

प्राइस दे दिया इस बार हम क्या करते हैं कि फिक्स करना चाहते हैं यानी कि अगर प्राइस है तो प्राइस अभी दशमलव के बाद एक अंक हो या तीन अंक हो या दो अंक हो पॉइंट्स के बाद वाले वैल्यू को हम पे नहीं करते हैं इसलिए इस बार हम क्या करते हैं जीरो कर देते हैं और जीरो करने के बाद हमने बटन प्रेस किया अभी आप देखेंगे वन इसका प्राइस हो चुका है

123 बट यहाँ पे जो वैल्यू आया है 124 हो चुका है यानी कि हर नंबर में क्या कर दिया है? एक एक पॉइंट्स को बढ़ा दिया है एक एक नंबर को इंक्रीज कर दिया बिकॉज की डेसिमल पॉइंट्स के बाद कोई भी नंबर है तो उसके कारण से ये राउंड अप कर दिया है सबको एक पॉइंट्स बढ़ाकर सबको राउंड अप कर दिया है अब हम समझते हैं राउंड डाउन तो राउंड अप में हमने समझा कि जो भी मेन प्राइस है उस प्राइस को क्या कर दिया पॉइंट्स के बाद वाले वैल्यू को हाइड कर दिया और एक नंबर से बढ़ा दिया तो अब हम राउंड डाउन फंक्शन को भी समझ लेते हैं राउंड डाउन फंक्शन को कैसे यूज करेंगे तो हमने लिखा इक्वल टू आर ओ यू एन डी राउंड डाउन फॉर्मूला को हमने चूज कर लिया यहां से हमने प्राइस को भी सिलेक्ट कर लिया कॉमा दिया एंड हमने जीरो नंबर प्रेस किया जीरो वैल्यू uh, हमने पास किया और हमने एंटर बटन प्रेस किया तो अभी आप देखेंगे वन ट्वेंटी हो चुका है दैट मीनस की

फंक्शन इसमें ऐड हुआ है अगर प्रीवियस की बात करें तो प्रीवियस में आई थिंक ये नहीं था एम राउंड की बात करें तो एम राउंड अभी आप देख सकते हैं एम राउंड में एक्चुअली होता ये है मल्टीपल्स राउंड

हमने जीरो फिर से पास किया और एंटर बटन हमने प्रेस किया तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि कि कितना आ गया जीरो। Because कि हमने मल्टीपल्स कितने दिए जीरो के मल्टीपल्स दिए एक बार सिंटेक्स को पुनः समझते हैं मैंने जानबूझ के जीरो लिखा ताकि आप हमेशा की तरह रटे ना समझे यहाँ पे देखिए एक हमारे पास दे रहा है हमारा वैल्यू है सपोज अगर हमने टू दिया तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा एक सम नंबर ही आएगा बिकॉज कि अगर टू से डिवाइड किया जाए तो वो प्रॉपर तरीके से डिविजिबल होने चाहिए प्रॉपर तरीके से भाग लगने चाहिए ओके okay, तो अभी हमने यहाँ पे बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हैं 120 आ चुका है अभी मैं थोड़ा इसको ड्रैग करके अभी आपको समझा दूंगा आप तो कहोगे की सब तो लगभग एक जैसा ही बट एक जैसा नहीं है यहाँ पे अभी आप समझे अगर हम आ, टॉप से, कि से, से तो कि वैल्यू कितना आ गया? एट आ चुका है क्यों क्योंकि इसका इसलिए क्योंकि अगर सेवन है तो सेवन को हम डिवाइड करेंगे टू तो से तो यह पूर्ण रूप से नहीं डिवीज, डिवाइड होगा और पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगा तो यानी कि ये हमारा टू का मल्टीपल्स नहीं है यानी कि टू तो से गुणांक नहीं है टू तो से हम अगर भाग दे तो ये प्रॉपर नहीं कटेगा

ओके okay. अभी हमने कितना पास किया हंड्रेड पास किया यानी कि यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे सभी सौ के फॉर्म में ही आएंगे अभी हमने एंटर बटन किया तो यहाँ पे आप देखेंगे 100 आ, चुका है। अभी हमने आ रहे है। तो जो हमारे पास नंबर है इन नंबर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है कि हंड्रेड के मल्टीपल्स में आएंगे अभी आप यहाँ पे इस रो को समझे जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है फोर है, चार सौ बिरासी लिखा हुआ बट इसका हंड्रेड के मल्टीपल्स में अकॉर्डिंग क्यूं? तो मतलब तो यहाँ पे फाइव हंड्रेड आ चुके हैं और चूंकि हमने मल्टीपल्स हंड्रेड के दिए इसलिए यहाँ पे सभी हंड्रेड के मल्टीपल्स में ही आउटपुट आ रहा है ये जो चार फॉर्मूला हमने बताई ये चारों के फॉर्मूला आपको बेहतर क्लियर हो चुके हैं किसी भी फॉर्मूला में कोई भी डाउट है

एटलीस्ट ये हमारा क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला का और कब कहाँ कैसे और किस सेनेरियो में हम यूज करते हैं तो ये कोई टफ प्रोजेक्ट है नहीं लेकिन इसके मदद से हमें ये आइडिया मिलता है कि हमें काम कैसे करना होता है किसी ऑफिस के अंदर इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स हो जाता है इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है कैसे काम किया जाता है ये आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके तो चलिए हम समझते हैं कि यहाँ पर टाइटल क्या लिखा हुआ है तो टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर एबीसी ग्रुप ऑफ कंपनी यहां पर एवीसी ग्रुप नाम का कोई एक कंपनी है जिसका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमने कैलकुलेट करना है अब यह कैसे कैलकुलेट हुआ तो इस टेबल में कुछ कंडीशन है कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स है हम इनको पढ़ेंगे समझेंगे इसके बाद जैसे जरूरत होगा वैसे हम यहाँ पे एक्स एक्स जहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पे क्रॉस साइन आपको दिख रहा है उनके जगह पे फॉर्मूला अप्लाई करना है और कब हम कैसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम एक एक को सॉल्व करते चलेंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट रो यहाँ पे बात कर रहा है सेल्स की तो सेल कितना हो रहा है तो यहाँ एक लाख रुपए की सेल हो रहा है उसके बाद अगला जो रो है उसमें कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ परचेज यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो रखा है यहाँ पे होना चाहिए इसको कॉस्ट ऑफ परचेज अब कॉस्ट ऑफ परचेज हमने कैलकुलेट करना है लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगाएंगे तो यहाँ पे एक बात लिख रहा है यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमें दिख रहा है थर्टी फाइव परसेंट ऑफ सेल्स अब सेल जितना भी हुआ होगा उनका थर्टी परसेंट क्या है कि कहीं से खरीद के ही तो बेच रहा होगा तो वो जो परचेजिंग प्राइस है वो कितना है तो सेलिंग का थर्टी फाइव परसेंट है तो अब हम यहाँ पे एक्स एक एक्स वाले फॉर्मूला को कर देते हैं डिलीट और यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू थर्टी फाइव परसेंट अब किसका परसेंटेज निकालना है तो हमने सेल का निकालना है तो सेल का 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 मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दिए किससे कर दिए तो थर्टी फाइव परसेंट से जो भी सेल्स हुए हैं एक लाख रुपए या फिर जितने भी सेल हो मैटर ये नहीं करता कि कितना सेल हुआ जितने भी सेल हुए हैं उसका ये पैतीस परसेंट है कैलकुलेट कर देगा अभी मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे पैंतीस रुपया आ चुका है अगला रो यहाँ पे कहता है ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि अभी हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है तो अगर हमने परचेज किया पैंतीस में बेचा है एक लाख में तो प्रॉफिट कितना हुआ तो प्रॉफिट बहुत ही सा है, अभी हम क्या कर देंगे तो equal to sign लगाएंगे और क्यों क्योंकि कहीं भी किया जाता है सबसे पहले आपको तो खरीदा कितने में पैंतीस हजार में तो एक लाख रुपया माइनस पैंतीस हजार रुपए अभी हमने enter button प्रेस किया तो अभी पैंसठ हजार रुपए हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है अब चुकी कंपनी है तो कंपनी में कोई ना कोई तो एक्सपेंस होगा तो यहाँ पे अगला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें है एक्सपेंस अब एक्सपेंस के बहुत बड़ी लिस्ट है अब जैसे कि एडवर्टाइज है तो एडवर्टाइज कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट जितना हुआ है 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 उसका रुपया किस में 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 गया है, तो में गया गया तो एडवर्टाइजमेंट प्रचार प्रसार में गया है। इसी तरह से कोई एम्प्लॉय भी होंगे तो इम्प्लॉय को भी सैलरी पे किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी है टेलीफोन है इस तरह के बहुत सारे खर्चे है इन खर्चों का यहाँ पे लिस्ट रखा हुआ है तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ एडवर्टाइज निकालते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जितना ग्रॉस प्रॉफिट है पैंसठ हजार रुपये गुना इंटू अभी हमने इंटू किया और हमने क्या करना है कि 18 परसेंट निकाले तो हमने 80 परसेंट ठीक है टेन परसेंट हमने कर दिया परसेंटेज का साइन लगाना है ओके तो यहाँ पे टेन परसेंट यहाँ पे अठारह परसेंट क्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेट हो चुका है अब यहाँ पे ये यह सभी क्या है तो खर्चे के लिस्ट है अब यहाँ पे है कह रहा है कि टोटल एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस का मतलब कि टोटल खर्च कितने हुए हैं तो अब यहाँ पे हम जोड़ देते हैं अभी हमने सम फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन हो चुका है एक्चुअली मैंने यहाँ पे ऑटो सम यूज किया बट हम डायरेक्ट ना करके हम डायरेक्ट फार्मूला टाइप करके आपको दिखाते हैं एस यू एम सम और ब्रैकेट स्टार्ट और हमने यहाँ पे इन रेंज को दे दिया फिर ब्रैकेट्स को क्लोज किया एंटर किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा टोटल एक्सपेंस आ चुका है अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है और खर्च है तो खर्च को भी तो हम माइनस करेंगे हमारे जितने भी प्रॉफिट हुआ अब कंपनी में जो भी खर्च हुआ है तो वो हमारे कमाई में से ही तो जाएगा प्रॉफिट में ही से तो जाएगा तो अब हमने प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ तो अभी हमने क्या किया इक्वल टू साइन दिया ग्रॉस प्रॉफिट पैसठ हजार रुपया है और कंपनी में खर्च कितना हुआ है अठारह हज़ार पाँच सौ अठहत्तर रुपया खर्च हुआ है तो इसको हमने माइनस कर दिया तो टोटल यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बच गया छियालीस हजार चार सौ बाईस रुपया ओके तो अब हमारा कमाई तो हो गया छियालीस हजार रुपये लेकिन अब क्या करना है कि इनकम टैक्स भी पे करना है तो इनकम टैक्स कितना पे करना है तो इनकम टैक्स भी हमने मान लेते हैं कि हमें थर्टी फाइव परसेंट इनकम पे करना है पैंतीस परसेंट इनकम टैक्स वाले को पे कर देना है तो हम यहाँ पे पेमेंट निकाल लेते हैं कि कितना हम पे करेंगे तो इक्वल टू प्रॉफिट हमारा छियालीस हजार चार सौ बाईस रुपया इसका पैंतीस परसेंट कितना हुआ तो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए थर्टी फाइव परसेंट ओके तो इतना हमारा परसेंटेज कैलकुलेट हो गया अब क्या करना है कि अब हमारा नेट प्रॉफिट कितना बच गया तो अभी हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट अब इसमें से हमने इनकम टैक्स वाले को कुछ पैसे वापस कर दिए अब हमने एंटर बटन प्रेस किया तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है यानी कि ये नंबर जो है ये पॉजिटिव नंबर है यानी कि नेगेटिव नहीं है दैट मीन्स की एबीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है ये प्रॉफिट में जा रहा है लॉस में नहीं जा रहा है तो यहाँ हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया और कैसे कैसे कैलकुलेट किया तो इसके अकॉर्डिंग कुछ हमारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं कुछ कंडीशन दिए हुए हैं इन कंडीशन को देखते हुए समझते हुए हमने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया तो इस छोटे से प्रोजेक्ट के मदद से हमने सीखा समझा कि कैसे काम किया जाता है कैसे कंपनी को मैनेज किया जाता है कैसे वर्किंग टेबल बनाया जाता है उनको किस तरीके से काम किया जाता है आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस टाइप के और भी बहुत सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेलाइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई इस टाइप का वीडियो अपलोड और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो तो ये जो फॉर्मूला का क्लास रहा है ये आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और हाँ जिस तरह हमारे पिछले पैराथन क्लास को आपने सपोर्ट एंड प्यार दिया था उसी तरह से इसे भी दें और ज्यादा ज्यादा से लोगों तक शेयर करें ताकि जो एक्सेल की जो इम्पोर्टेंट और रहस्य वाली जो चीजें हैं फॉर्मूल उसको हर कोई आसान तरीका से समझ सके मैंने इसमें पूरी तरह से कोशिश किया है ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए अगर हाँ कोई भी डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो बेसिजक आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता ताकि आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो अपने लाइफ करियर को सेट करने में थोड़ा मैं मेहनत करू थोड़ा आप मेहनत करें और मैंने पिछले क्लास में भी कहा था और इस बार में भी कह रहा हूं रखिएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं रखते हैं तो फिर सब यूं ही रह जाएगा अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो आप जिस सेंटर पर जाते हैं पढ़ने उस सेंटर पर भी आप विजिट कर सकते हैं वहां भी आप देख सकते हैं वहां भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है तो प्रैक्टिस करने में नो कंजूसी आप प्रैक्टिस जरूर रखिए अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा ऑफलाइन क्लास सेंटर भी चलता है आप हमारे सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं एड्रेस हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से एड्रेस भी विजिट कर सकते हैं देख सकते हैं इवन कॉन्टेक्ट डिटेल भी आपको मिल जाएगा आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन हाँ अगर आप हमारे लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं तो ही ओके okay? तो चलिए आज के इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में जिसमें कि हम बाकी सारे ऑप्शन एक्सेल का कंप्लीट करने वाले हैं थर्ड पार्ट में तब तक के लिए धन्यवाद टेक केयर एंड बाय बाय